लोग आ रहे होंगे शायद, राइट? किचन कॉन्शियसनेस, अभी प्रसाद बन रहा होगा, थिंग्स लाइक दैट, दैट्स फाइन, इट्स ओके, वी विल गेट स्टार्टेड. तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण. ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं. वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचारं पङ्गुं रङ्गायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनदारिणम्. ओके एंड वेलकम एवरीवन एंड स्पेशली नैया किशोर प्रभु जी फॉर गिविंग मी सम अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन सम वे वट एवर लिटिल वे आई कैन. थैंक यू. लेट मी जस्ट प्रोजेक्ट. सो एक्चुअली हम क्या करते हैं ना कि हम we also project our slides, but there's nothing much in the slide though, but still. So I'll just project it. Things got a bit messed up because sab kuch laptop pe thoda late ho gaya, so but theek hai, let me project it and then we can get started. So what any questions while before we get started, anything on the previous verses? So it is 3.35, right? Till 3.35 humne last time discuss kiya tha. Any questions? Shailesh Prabhu had lot of questions, right? हाँ प्रभु जी आपको ठीक है गुड. सो यू हैड सम क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट वर्सेस राइट. सो ब्रिंग इट ऑन मतलब यू नो जब भी व्हेनेवर यू थिंक इज द एप्रोप्रिएट टाइम. सो लेट मी नॉनदलेस प्रोजेक्ट इट. ओके मधु माता जी इज जॉइनिंग ऑनलाइन. अच्छा हाँ नहीं ठीक है. हाँ यू आर डूइंग द राइट थिंग बाय जॉइनिंग ऑनलाइन एक्चुअली. ठीक है. सो लेट मी yeah any questions or should I ask any questions matlab you know kisi ko koi question nahi hai to till 35 all clear. program se tha duties of soul. ha duties of soul. ha matlab ye samajh aaya tha ki do duties hai, ek swagar mein ek nitya dharma. nitya dharma mein hamari regular duties hai jaise body father or an person right guru bhakti duties correct. ek swagar mein jo duty of soul hai to serve the lord krishna. हम ये सीख रहे हैं कि बाय सम वे ऑफ द अदर अगर हमारा नित्य कर्म भी स्वधर्म में बदल जाए अपनी रेगुलर ड्यूटीज को भी कृष्णा में डिवोट सर्व कर सके दैट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन. या अगर हम अपने हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज और वर्टिकल ड्यूटीज को सही से अलाइन कर सके ना देन इट्स लाइक ऑसम मतलब ना द ग्रोथ विल बी ऑसम बिकॉज हम सब मिलके एक साथ भगवान की सेवा कर रहे हैं. नथिंग कैन बी बेटर देन दैट राइट.
right? That is the right thing to do. So horizontal duty को हम लोग लेफ्ट ड्यूटी बोलते हैं और स्वाध्यायी को वर्टिकल ड्यूटी बोलते हैं. हाँ, या आगे आएगा ये सब, आप वेट करो. मतलब बहुत बार और भी ये रिपीट होगी ये सारी चीजें. मतलब ये अभी शुरुआत है. ये वर्ष में धर्म को ना 5-6 बार वर्ड यूज किया है. धर्म मैंने लास्ट टाइम बोला था ना कि धर्म बहुत ही फनी चीज है. मतलब फनी मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है. वही विषय है धर्म, ठीक है. बहुत तरह के धर्म होते हैं और लोग ना किसी धर्म में जाके अटके रहते हैं हमेशा, राइट. और सारे सही लगते हैं. जब जहाँ पे आप अटके हो वो सब सारे धर्म है आपके, ऑफकोर्स. मतलब यू नो क्यों नहीं होगा वो धर्म, राइट. अगर मतलब अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने ऑफिस के लिए काम करना, राइट. और ये सारा कुछ धर्म है हमारा, राइट. क्यों कैसे छोड़ सकते हैं, है ना. और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को धर्म लगती है, राइट. नाला गंदा किया देख के लोग सफाई करते हैं, वो भी उनको लगता है कि धर्म है हमारा, है ना, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं, भारत माँ है, राइट. लेकिन भगवान यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि अल्टीमेट धर्म क्या है. स्वधर्म मतलब सोल का धर्म क्या है, राइट. कौन सी ऐसी चीज है जो छोड़ी नहीं जा सकती है, विच इज नॉट ओके, राइट. बट धर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर. इसीलिए बोलते हैं, राइट. इसीलिए प्रभुपाद ये वर्ष बहुत कोट करते हैं. मतलब ना कि महाजनों ये न गता सपन था, दैट इज द ओनली वे. अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है समझने का, राइट. कि सिर्फ जो ग्रेट पर्सनैलिटीज है ना उनको फॉलो करो, राइट. उनके बताए रास्ते पे चलो, अदरवाइज बहुत मुश्किल है. क्योंकि अलग अलग किताबें अलग अलग बात करती हैं, अलग अलग मुनि अलग अलग बातें करते हैं, राइट. तो कैसे समझे ऐसे में, इससे कोई विषय नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट. खैर मतलब बाद में जब और आएगा ये वर्ष तब बात करेंगे, बिकॉज अभी हैवी हो जाएगा. सो एनीवेज वी कैन गेट स्टार्टेड विद द 3.36. इट्स अ वंडरफुल वर्स बेसिकली. जस्ट टू टेल यू, मे बी दिस माइट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स जो अभी तक हमने पढ़ी हो. और बाद की भी सारी वर्सेस इम्पॉर्टेंट है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन लाइक मी. ओके, सो दिस इज वॉट. ओके, लेट मी डिसाइड. अर्जुन उवाच, एंड वी कैन रिसाइट टुगेदर आफ्टर मी, राइट. अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयः बलादिव नियोजितः. अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयः बलादिव नियोजितः. ओके, एनीवन वांट्स टू रिसाइट एनी प्रपोजिशन. अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयः बलादिव नियोजितः. अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयः बलादिव नियोजितः. Who else? Anyone else who wants to recite? अर्जुन उवाच, अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेयः बलादिव नियोजितः. थैंक यू. ओके, सो ट्रांसलेशन एंड पर्पोर्ट बाय सी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद की जय. अर्जुन सेड, ओ डिसेंडेंट ऑफ रश्मि, बाय व्हाट इज वन इंपेयर्ड टू सिंफुल एक्ट्स इवन अनविलिंगली एज इफ एंगेज्ड बाय फोर्स. परपोर्ट, अ लिविंग एंटिटी एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम इज ओरिजिनली स्पिरिचुअल
pure and free from all material contaminations. Therefore, by nature, he is not subject to the sins of the material world. But when he is in contact with the material nature, he acts in many sinful ways without hesitation, and sometimes even against his will. As such, Arjuna's question to Krishna is very sanguine as to the perverted nature of the living entities. Although the living entity sometimes does not want to act in sin, he is still forced to act. Sinful actions are not, however, impelled by the super soul within, but are due to another cause, as the Lord explains in the next verse. तो सुनने में बड़ा हार्मलेस सा श्लोक लगता है, राइट? मतलब इस श्लोक में कौन सी बड़ी बात है? मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? इसमें इसमें डिस्कस करने को क्या ही होगा, राइट? मतलब इससे शैलेश प्रभु ने कल मुझे अब जो बोला था आपने ना, यू डिडंट कंसीडर दिस श्लोक, राइट? यू वर थिंकिंग 37, 38, 39 में क्या है आखिर, है ना? बट 36 में क्या है, ऐसा सोचते नहीं हम, राइट? मतलब क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल लगता है क्या आपको, कि क्या स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन की? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन? तो मुझे ये लग रहा है कि इवन दो लाइक वी आर नॉट लाइक समटाइम्स वी फील दैट वी आर फोर्स टू डू द सेम बट इट्स नॉट द केस बिकॉज 34th में जैसा बताया गया था कि जो हमारे बोर्ड ऑफ नेचर है जो बेस्ड ऑन लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ कर्मास पास्ट एंड इंप्रेशंस जो बिल्ड हो गए हैं राइट उसकी वजह से आप यू आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स डूइंग दैट सिंस इवन लाइक इसके पहले वाले वर्ष में भी बताया गया था कि अगर आप अपने मोड ऑफ जो नेचर उसके अगेंस्ट मत करिए अदरवाइज यू विल बेसिकली डू मोर हार्म सो हां वो सब ठीक है मतलब लेकिन सी इट इज मोर देन दैट अभी वही यही बात है अर्जुन देखिए बहुत प्रैक्टिकल इंसान है तो हो क्या रहा है ना कि भगवान ने पिछली जो दो तीन वर्सेज है ना बड़ी एम्फेटिक वर्सेज बताई है राइट व्हाट इज द आइडियल स्टैंडर्ड इच्छा मतलब राग और द्वेष को छोड़ दो राइट अभी 33 में पहले बोलते हैं कि देखो अपने नेचर के हिसाब से काम करो राइट मतलब डू योर ड्यूटी वट एवर इज योर राइट नेचर 34 में बोलते हैं कि इंद्रियों विषय से छोड़ दो राग और द्वेष में मत पड़ो राइट डू योर ड्यूटी है ना बहुत सुनने में बहुत हाई स्टैंडर्ड लगता है ऐसा लगता है कि यस वी विल डू इट फ्रॉम टुडे है ना सो बट बेसिकली वट अर्जुन इज थिंकिंग इसकी अरे ऐसा ड्यूटी हमेशा करना होगा राइट रोज 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 सालों साल है ना सुनने में थिंक अबाउट इट क्योंकि बोलना बहुत आसान है जब हम भगवदगीता क्लास होती है हम बड़े कॉन्फिडेंटली जाते हैं राइट कुछ आज नया सीखा है आज से अपनी लाइफ को चेंज कर डालेंगे बट ऐसा होता है क्या सच में राइट लेट्स बी प्रैक्टिकल लेट्स बी ऑनेस्ट विद अवर सेल्फ राइट देयर इज अ स्ट्रगल मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ होगी मेरे साथ है सच में मतलब लास्ट टाइम भी मैं बोल रहा था राइट कि मैं ही रह गया हूँ अभी अनर्थ निवृत्ति में अभी बाकी सब लोग निष्ठा तक पहुंच चुके हैं सो बेसिकली दैट इज देयर राइट दैट स्ट्रगल इज रियल लेट अस एक्सेप्ट इट सो सो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ अर्जुन इज कि जीव पाप क्यों करता है आखिर क्या रीजन है राइट क्योंकि लोग करना नहीं चाहता कोई मतलब बहुत लोग हैं नहीं करना चाहते हैं राइट अच्छा अच्छा हम सोचते हैं कुछ लोग हैं जो जान के करते हैं दो तरह के लोग होते हैं राइट एक तो लोग हैं जो जान बूझ के करते हैं और एक होते हैं जो पता है नहीं करना है हमें है ना फिर भी हो जाता है सो कौन करने को बोल रहा है मतलब कौन है क्या वो भगवान है कौन है वो आखिर राइट कौन करवाता है पाप आखिर में राइट दैट इज relevant this question is relevant not just bahar walon ke liye but ek sadhak ke liye bhi hai na dono ke liye bahut relevant question hai ki aakhir paap kaun karata hai matlab sochna chahiye na matlab hum log nahi karna chahte let's be real about it right so in fact vishnu chakravarti thakur bolte hain iske liye ki jab 34 text suna arjun ne na ki matlab to sun ke aisa lagta hai ki ha aaj se main apni duty karunga right aisi feeling aati hai but experience kya bolta hai experience bolta hai ki ये सब करने के बाद भी आप अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते है ना तो अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि बाय मतलब यू नो क्यों नहीं कर पाते हैं बट हमने देखा हुआ है बाय एक्सपीरियंस राइट कि हम सोचते हैं कि नहीं आप बस से आज सुबह से रोज हर रोज सुबह उठूंगा और मतलब यू नो चैंटिंग खत्म कर दूंगा 6 बजे तक है ना हमने सोचते हैं लेकिन नहीं हो पाता क्यों नहीं हो पाता क्या है वो जो चीज रोकती है राइट सो दैट इज द क्वेश्चन इट्स अ वेरी वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन राइट सोचने वाली बात है और बहुत समझने वाली बात है इट्स अ वेरी क्लियर question by Arjun, right? So, and we'll go deeper, मतलब basically, इसको समझने के लिए ना थोड़ा deep जाएंगे इस और अगली वर्ष में so घबराना नहीं आप लोग मतलब but थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कोई भी चीज में कई बार ऐसा होता है कि रोड पे भी जा रहे हैं
रात का टाइम है और हम देखते हैं कि हाँ भाई रेड लाइट है, yeah. कोई भी कहीं से नहीं है, सोचते हैं कि बाय लॉ हम हो सकते हैं लेकिन हम सेफ हैं, yeah. हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हमसे जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन कई बार हम रेड लाइट जंप कर जाते हैं. कौन है वो, मतलब कौन करवाता है, क्यों करते हैं हमें पाप, है ना. और हर जगह पे बहुत छोटी छोटी चीजें हमें बात करते हैं उसके लिए. सो बेसिकली जो अर्जुन बोल रहे हैं ना, वर्ड ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड पे नहीं जाएंगे, बट अर्थ के ना प्रयुक्त हो, यानी कि हु इज मेकिंग देम डू इट, कौन करवा रहा है आखिर, कौन. पापम चरति पुरुषार्थ, मतलब यू नो कि पर्सन जो है वो सिन में कौन लगाता है, राइट. और उसके बाद बोलते हैं अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितम, राइट, कि मतलब लोग करना नहीं चाहते हैं लेकिन कोई जबरदस्ती फोर्स करता है उनको करने को, ऐसा लगता है ना कभी कभी, राइट. सो या हमने कभी अपने वो सॉन्ग सुना होगा ना, ऐसा एक सॉन्ग है शायद, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है ना, जैसे मुंह खोल के डाल दी पिला दी गई, राइट. बट ऐसा ही कुछ होता है ना यहाँ पे, कि मतलब नहीं करना चाहते हो आप फिर भी कर जाते हो, कभी सोच के देखना चाहिए. सो इट्स नॉट अ सिंपल श्लोक, राइट. अभी अगर कोई कारण पूछेगा ना कि क्यों पाप हो रहा है इतना, तो हम लोग रीजंस क्या देते हैं, कुछ रीजंस ऐसे हैं सुनने में आएंगे, कलयुग है प्रभु जी, मतलब यू नो इसलिए पाप बढ़ गया है ना, ऐसा रीजन देते हैं बहुत लोग ना कि कलयुग के कारण सब हो रहा है. अदर रीजन बहुत कॉमन सुनने में आता है वो ये कि भगवान ही सब करने वाले हैं, मतलब यू नो जो करवा रहे हैं अच्छा बुरा सब भगवान ही करा रहे हैं, राइट. ऐसे बोल के हम अपना हाथ झाड़ लेते हैं. सो दीज आर द टू कॉमन रीजंस दैट यू विल हियर, राइट. बट इज दैट ट्रू, एनी ऑफ दिस इज ट्रू, क्योंकि प्रभुपाद लास्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं अगर आप देखोगे, राइट, कि सुपर सोल नहीं है, है ना, तो फिर कौन है आखिर, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल, राइट. सो बहुत बहुत सारी क्या क्या बताऊँ इसके बारे में. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक स्टोरी बताते हैं, वो क्या बोलते हैं, एक कोई क्रिमिनल था, उसने खून कर दिया, खून वून किया था काफ़ी, मतलब बहुत पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा हो गई. तो जब फांसी की सजा हो गई तो उसको उससे पूछा कि लास्ट विश बताओ अपनी क्या है. तो उसने लास्ट विश क्या बोली कि मुझे ना अपनी आंटी से मिलना है, मेरी एक आंटी है जिसने मुझे पाल पोस के, क्योंकि मैं अनाथ था तो मेरी एक आंटी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तो मुझे उनसे एक बार मिलना है. सो दे सेड कि ठीक है, मतलब तो उसने बोला मुझे कान में कुछ बताना है, पास में बुलाओ. तो जब वो पास में आई उसकी आंटी ना, तो उसने ना कान काट लिया अपनी आंटी का, ओके. और क्योंकि बंधा हुआ था तो कुछ और कर नहीं सकता था, और उसने बोला कि इसके कारण ही मैं ऐसा हूँ, आज जो मैं क्रिमिनल हूँ ना, मैं इसी के कारण हूँ. क्योंकि हुआ क्या कि मतलब जब मैं छोटा था, जब मैं गलतियाँ करता था, कुछ छोटी मोटी चोरी करता था, तो इसने मुझे कभी मना नहीं किया. अगर इसने मुझे समझाया होता तो आज मैं इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं बनता, राइट. तो लोग हमेशा किसी ना किसी रीजन पे डाल देते हैं, राइट. मतलब यू नो इफ नॉट भगवान तो कुछ ना कुछ रीजन तो मिल ही जाता है. वो भी उस तरह से भी हम अपने मन को समझा लेते हैं, हाँ. और मन को कौन समझाता है, मन को मन ही समझाता है, राइट. मतलब अपने मन से मन को समझा लेते हैं कि नहीं नहीं आखिर ठीक है, मैं अपने लिए पी रहा हूँ ना, मतलब किसी और का तो कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ ना. पीने वाला ऐसा कुछ बोल देता है, कुछ और वाला कुछ और रीजन निकाल लेता है, हाँ घर पे, हाँ भाई अपने पैसों की पी रहा हूँ. मतलब अभी मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, तो दो तीन दिन पहले मैं जा रहा था, तो मेरे सामने एक आदमी चल रहा था, बढ़िया वॉक के पूरी तैयारी से चल रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि भाई कोई आदमी पूरा तैयार व्यार होके आया है और वॉक कर रहा है. मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था लकीली, फिर मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में कुछ तो है, उसने ऐसे किया और सिगरेट भी पी रहा था साथ में. तो आई वॉज कंफ्यूज कि यार मतलब या तो अपने इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कर रहा है कि नहीं नहीं मैं सिगरेट पीता हूँ लेकिन मतलब मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, ऐसा आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते हो, राइट. सो आई फाउंड इट वेरी फनी, मतलब मुझे ऐसा लगा मैं फोटो खींच लूँ क्या करूँ, बिकॉज दैट वॉज रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज बहुत अच्छे से वो वॉक कर रहा था. आई गॉट इम्प्रेस लुकिंग एट हिम, बट एनीवेज नॉनदरेस. सो या सो बेसिकली और कोई एग्जाम्पल आप सोच सकते हो जहाँ पे आप नहीं करना चाहते हो और कुछ आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वैसे हमारे सामने जैसे हम नहीं करना चाहते. नहीं चाहते हुए हो जाता है, राइट. बिल्कुल, लोगों से कई बार बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक भी हो जाती है भाई, लाइक जो नहीं करनी चाहिए. हो सकता है बच्चे का इंटेंशन, एक मैंने कहीं एक स्टोरी सुनी थी कि क्या हुआ कि दो लड़के थे किसी आदमी के, और उसने बड़े वाले ने आके बताया कि देखो छोटे वाले ने ना पापा आपका कुछ तो भी कार में स्क्रैच कर दिया,
तो इसने जाके देखा, स्क्रैच कर दिया था उसने, तो इसने कुछ समझा नहीं क्या स्क्रैच किया क्या नहीं। उसने बोला कि कौन से हाथ से किया, तो उसने हाथ दिखाया ये वाला। इसके पास उसको फ्लावर पॉट मिला, इसने फ्लावर पॉट से जोरदार इसको मारा। ओके, बच्चे ने बोला कि बहुत पेन हो रहा है पापा, देखा तो लेके गया डॉक्टर के पास भी लेके गया, पता चला सारी उंगलियां फ्रैक्चर हो गई थी और प्लास्टर वास्टर बांधा। फिर बच्चे ने बोला कि पापा आपने देखा मैंने क्या क्या स्क्रैच किया, तो उसने बोला कि नहीं मतलब मैं तो इसी कार में लेके आया बट मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने देखा जाके, तो उसने उसमें लिखा था आई लव माई डैड। ओके, मतलब उसने छोटा बच्चा था बट दिस इज वॉट ही डिड राइट। और उस आदमी को इतना बुरा लगा ना, इतना खराब लगा कि ही डिड सुसाइड, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। बिकॉज हम लोग कभी समझ नहीं पाते, हम अपनी एंगर में इतना फंस जाते हैं ना कि कभी कभी हम सोचना बंद कर देते हैं कि आखिर हुआ क्या रियली। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर जाते हैं जो नहीं करनी चाहिए, लाइक झूठ नहीं, फॉर एग्जाम्पल राइट, सबको पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए पर झूठ बोलते हैं राइट। मतलब कौन है जो झूठ बोलवाता है, सोचना चाहिए, हमको पता है बचपन से बताया गया है कि झूठ बोलना पाप है राइट, बट फिर भी हम झूठ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? सो दैट इवन एज अ डिवोटी राइट, हमें पता है कि वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए राइट, बट करते हैं, मतलब है ना, क्यों करते हैं, मजा आता है राइट। तो क्योंकि अपने को किसी और के को छोटा बनाने से हम बड़े बन जाते हैं, ऐसा लगता है ना, इसमें ही गलती है उसमें ही गलती है, इसका मतलब मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, है ना, पर फिर भी करते हैं, कोई तो करवा रहा है, पता है, जबकि सब कुछ इतना पता है कि इतना ज़्यादा बड़ा पाप है फिर भी हम करते हैं। ड्रिंक एडिक्ट्स थिंक अबाउट इट राइट, उनको भी पता है कि सिगरेट पीना पाप गलत है, सब कुछ होगा, दुनिया भर की चीज़ें होंगी राइट। चीटिंग, अगर आप सोचो, चीटिंग प्रोपेंसिटी इज़ ऑल्सो कॉमन, मतलब यू नो नहीं पता है कि चीटिंग नहीं करना है फिर भी हो जाती है कहीं ना कहीं पर, मालूम है, जस्ट फॉर वट एवर रीजन। सो एनी वेज, सो मेनी थिंग्स, एनी क्वेश्चन सो फार, एनी थिंग विच इज नॉट क्लियर राइट, बट आई होप द पॉइंट हैज संक इन कि ये जो है ना ये प्रॉब्लम रियल है। अर्जुन का क्वेश्चन जो है ना वो बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, जिससे कि हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं राइट। हम लोग में से कोई भी ऐसी जगह पर नहीं है होपफुली, और नो वट एवर आई शुड से, और एटलीस्ट मैं ऐसी जगह पर नहीं हूँ जहाँ पर आई कैन क्लेम कि नहीं मैं सब कुछ सही करता हूँ राइट। सो या आई वॉज गोइंग थ्रू सम परपोर्ट्स, आई रियली लाइक वन परपोर्ट ऑफ बलदेव विद्याभूषण, सो वी कैन गो ओवर दैट परपोर्ट टुडे। ओके, हाँ बोलिए। यहाँ पे वो डिसेंडेंट ऑफ ऋषि बोला है, इसका कुछ रिलेशनशिप है तो? सो कुछ खास रिलेशन नहीं है, हिज अ ऋषिवंशी राइट, मतलब सो बस इसलिए उनको ऋषिवंशी वार्ष्णेय बोल रहे हैं, नथिंग वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। ओके, नो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो लेट्स लुक एट दिस परपोर्ट गीता भूषण, सो एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट परपोर्ट। अपेरेंटली ये सिंपल वर्ड्स जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, बट आई थॉट लेट्स टॉक अबाउट दिस परपोर्ट। सो दिस इज व्हाट इट इज, अगर कोई ऑनलाइन है नहीं है तो भी मैं रीड कर ही रहा हूँ। इन द वर्स 34 द लॉर्ड इंडिकेटेड दैट डिजायर राग सच एज स्पीकिंग टू अदर्स वाइव्स is firmly fixed in the senses and mind. Arjun now asks the questions concerning this. जैसे तो बोलते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि अरे दूसरों की वाइफ से बात नहीं करना चाहिए, ओके पता है, लेकिन फिर भी टेंडेंसी इच्छा बनी रहती है राइट, शादीशुदा होने के बाद भी राइट, तो क्यों होता है ऐसा? दिस वॉट वी सेइंग, ओके कि सो आगे बोलते हैं, ओ कृष्णा बॉर्न इन द वृष्णि डायनेस्टी इंस्पायर्ड बाय व्हाट थिंग केन प्रयोक्तेन does the jiva commit sin right, kyun karte hain vrishnivanshi, though he does not want to do it anichchan knowing that it is forbidden by the scriptures, he does it as if by force bala jiva right. So far it is clear right, matlab this is obvious things, this is so I'll not explain. The desire to engage in sin is produced in the dependent person by being subjected to the desire of an instigator. Who is the instigator? Now instigator kya hota hai, लोग लॉग इन कर रखा है क्या, आप लोगों को दिख रहा है क्या मैं क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इंस्टिगेटर मतलब ये जो होता है ना, तो इंस्टिगेटर क्या होता है पता है, जैसे कोई आदमी, जैसे क्या होता है, जैसे उग्रवादी कैसे बनते हैं, उग्रवादी जो होते हैं, आई होप हिंदी इज ओके राइट, आई एम जस्ट स्पीकिंग इन हिंदी फॉर यू एटलीस्ट, इट्स ओके राइट, या बिकॉज पीपल हियर आर यूज्ड टू हिंदी, सो आई कीप ऑन स्पीकिंग इन हिंदी एंड शिफ्ट टू हिंदी वेरी लाइक। सो उग्रवादी जो होते हैं ना नॉर्मली, और जो ये तालिबान और ये सब लोग होते हैं, ये कैसे बनते हैं पता है किसी को? नॉर्मली बोल बोल के कोई उनको जस्ट बाय वर्ड्स
है ना, उनको दे बिकम टेररिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट? दैट्स ऑल व्हाट इट टेक्स. सिर्फ बातों से ही आप किसी को टेररिस्ट बना सकते हो और बनाए भी जाते हैं टेररिस्ट, राइट? सो वो बोल रहे हैं कि अरे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने फोर्स करके, समझा के, बोल बोल के आपको पाप करा दिया, राइट? तो हुज द इंस्टिगेटर, किसने कराया? दैट इज द क्वेश्चन. कि बलादीव किसने कराया, दैट इज द क्वेश्चन दैट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आस्क, राइट? क्योंकि मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, तो ऐसा है कुछ, इट सेज, ठीक है, लास्ट टू लाइन्स आई विल टेल, प्रवृत्तिरेश भूतानां निवृत्तस्तु महाफला. सो ऐसा बोलते हैं मनुस्मृति की बाकी जो भी सारी चीजें है ना, मतलब वो बोलते हैं, मनुस्मृति बोलती है कि मांस खाने में भी दोष नहीं है, ओके, और मद्यपान में भी दोष नहीं है, लेकिन दोष जो है ना वो कहीं तो अंदर है आपके, ओके, वो आपकी टेंडेंसी में है कहीं तो, राइट? और अगर उससे निकल गए ना तो देन यू आर क्लीन. मतलब अगर आप प्योर हो गए ना, सिर्फ वो जो अंदर आपके घुसा हुआ है ना, दैट इज द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. मतलब आउट ऑफ दिस एक्सटर्नल थिंग, ऐसा कुछ बोलता है. इसमें लंबा डिस्कशन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं घुसूंगा, बट द पॉइंट इज कि देयर इज समथिंग, सम सिंपल टेंडेंसी इज देयर, समथिंग इज रॉन्ग हियर, राइट? सो एनीवेज, तो बेसिकली ये जो बोल रहे हैं ना इंस्टिगेटर वाली बातें, उसमें ये कह रहे हैं कि जीव को आप सिन करने का तो मन नहीं करता, अगर ऐसा मान लें, राइट? क्योंकि हमें पता है कि नहीं करना चाहिए, राइट? सो देन कौन करवा रहा है और किसके गाइडेंस से हो रहा है सब कुछ, राइट? कौन है वो पर्सन जो पाप करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहा है, राइट? दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. या सो या एज आई वाज सेइंग, राइट, टेररिस्ट भी लोग किसी, कोई बोलता है, बोल बोल के कर लेता है. तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं अगर हम ठंडे दिमाग से सोचे ना इस बात को, तो देर आर टू ऑप्शंस. पहला, या तो इज इट गॉड और इज इट संस्कार, ओके, दो ऑप्शंस पॉसिबल समझ में आते हैं अगर आप सोचोगे ठंडे दिमाग से तो, राइट? और हम एक्सक्लूजन की तरह देखते हैं कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन होता है ना, कि क्या ये गॉड है या क्या ये संस्कार है या क्या ये कुछ और है, राइट? सो पॉइंट ये है कि गॉड का होना मुश्किल है अगर आप ऐसे सोचोगे. गॉड क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भगवान ही सबसे पुण्य काम कराते हैं, राइट? ऑल द पायस थिंग्स आर ऑल्सो, अगर अगर भगवान करा रहे हैं तो किसी से पुण्य का काम करवा रहे हैं और किसी से पाप का काम करा रहे हैं, और जो पाप करता है उसको नर्क भी भेजते हैं, राइट? तो लॉजिकली सेंस नहीं बन रहा इस बात का, है ना, कि कोई क्यों करेगा ऐसा. अगर आपसे पाप भी करवाता है और फिर आपको नर्क भी भेजता है, किसी से पुण्य कराता है तो किसी को स्वर्ग भेजता है. अगर हम जो लोग भगवान पे डाल देते हैं ना, तो उस पॉइंट को मैं आंसर कर रहा हूँ, राइट? तो इट डजंट फिट इन, है ना, कंफ्यूजिंग है. सो भगवान का होना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट संस्कार है क्या? मतलब इज इट संस्कार, दैट इज द क्वेश्चन, राइट? हम संस्कार क्या है हम वो भी समझेंगे, बट अगर संस्कार है क्या इस बारे में सोचते हैं तो आगे आगे बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं इज इट द लॉर्ड और द जीवस प्रीवियस इंप्रेशन संस्कार. इट कैनॉट बी द लॉर्ड हु इंस्पायर्स अ पर्सन टू डू सिनफुल एक्ट्स, सिंस ही इज द मर्सीफुल एंड ओनली प्लेस द रोल ऑफ द विटनेस. नाउ कैन इट बी इंप्रेशंस सिंस दोज आर डल अनकॉन्शियस थिंग्स. तो क्या बोल रहे हैं कि अरे इंप्रेशंस तो क्या होते हैं, डल कॉन्शियस थिंग बोल रहे हैं. तो क्या होते हैं इंप्रेशंस, थोड़ा समझते हैं उसके बारे में, राइट? तो पहली बात तो यह है कि हाँ, लॉर्ड तो मर्सीफुल है, राइट? और हाँ, भगवान के अरेंजमेंट से कुछ भी नहीं होता के बिना, बट भगवान ऐसा कुछ तो नहीं कराएंगे, राइट? मतलब लॉर्ड हमेशा सैंक्शन करते हैं चीजों को. किस बेसिस पे सैंक्शन करते हैं भगवान, परमात्मा, किसी को पता है? कर्म के हिसाब से, राइट? हरि बोल, इन द बैक, कैन वी, हरे कृष्णा, कैन शुड आई पॉज फॉर सम टाइम, इज इट ओके? ऑलराइट, सो वी कंटिन्यू. सो बेसिकली या सो एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं, भगवान नहीं, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि ये जो है ना पास्ट कर्मों के हिसाब से भगवान सेंक्शन करते हैं परमात्मा, राइट? तो प्रेरणा कौन दे रहा है ना, क्योंकि डिजायर आपने की, प्रेरणा का आई कहाँ से आपको कुछ करने की, है ना? होपफुली इट इज ओके, राइट? सो फार इट इज क्लियर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा ना? सो दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, है ना, या तो परमात्मा है या फिर संस्कार है, ओके? सो भगवान संस्कार, मतलब ये क्या करते हैं, परमात्मा का जो काम है ना, जैसे भगवद गीता बताती है आगे जाके कि उपदेशता च हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर. सो भगवान परमात्मा जो है वो साक्षी की तरह रहते हैं और अनुमति देते हैं, बट वो आपको प्रेरणा नहीं देते हैं कि चोरी करो, राइट? तो अगर आपका कर्मा है तो आपको मिल जाएगा, ओके? भगवान परमात्मा कभी भी नहीं चाहते कि आप अपना धर्म छोड़ो, दैट इज नेवर डिजायर्ड बाय हिम, राइट? सो
अगर वो संस्कार है तो यहाँ पे जैसे बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि संस्कार में पॉइंट क्या है ना कि संस्कार जो है वो जड़ वस्तु है. ओके, संस्कार इज डेड मैटर. ओके, डेड चीजें हैं. संस्कार क्या होता है वैसे भाई देव, किसको कुछ आइडिया है संस्कार होता क्या है? नहीं नहीं वो तो डिफरेंट. सो संस्कार इज लाइक इंप्रेशन, कंटिन्यूअस भी नहीं प्रोजी, ये उससे भी खतरनाक है. सो अगर आपने कभी कोई चीज देखी की ना तो आपके चित्त में चली जाती है. ओके, तो होता क्या है जैसे ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो ज्ञानेंद्रियों से कुछ भी चीज अंदर गई ओके तो वो ना इंप्रेशन बन जाता है. जैसे पुराने जमाने में क्या होता था ना, एक रील वाला फोटो होता था ना, तो उसमें क्या होता था, निव होता था है ना, तो हमने खींचा तो निगेटिव में छाप पड़ जाती थी और फिर सही समय आने पर उसको पॉजिटिव करने से फोटो बन जाती थी. द सेम थिंग फॉर संस्कार. ओके, सो आपने कुछ किया ना, कुछ देखा ना, कुछ कुछ ज्ञान लिया ना, तो वो आपके अंदर संस्कार बन के छाप बन के रह जाएगा. ओके, और फिर सही समय पे वो पॉजिटिव बनेगा. ठीक है, समडे वील टॉक अबाउट लॉ ऑफ कर्म एंड वील डिस्कस दिस इन डिटेल. हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं कि फ्री विल जो है ना भगवान कभी नहीं ले रहे हमारे, दैट विल एग्जिस्ट विद अस, आप डिसाइड करो राइट. इसीलिए तो हम फंसे हुए हैं यहाँ पे. क्यों फंसे हुए हैं? कि हम डिसाइड करते हैं कुछ कुछ, आपने डिसीजन लिया, आप करो जो करना है, उसके बाद फंसे रहो, दैट्स ओके, इट्स अ फेयर डील राइट. मतलब भगवान इज लाइक तटस्थ है भगवान, ओके इम्पार्शियल है. ठीक है, जो जो चोरी करने, मान लीजिए एक आदमी अपने पैसों को छुपा के रखा हुआ है राइट, कि मेरी चोरी ना हो जाए इसके लिए बहुत ध्यान दे रहा है, और एक तरफ एक चोर है जो सोच रहा है मैं ये पैसे चुरा लूं राइट. भगवान को परमात्मा जो है दोनों की जगह बैठे हुए हैं है ना. अब किसकी विल सेंक्शन होगी डिपेंड करता है किसके पास कर्म का बैलेंस कैसा है और किसका डिजायर कितना स्ट्रांग है, एंड दैट विल गेट सेंक्शन. तो चोरी हो या ना हो गॉड डजंट केयर राइट. जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश जब होती है तो बारिश के बिना कुछ नहीं उगता है ना, लेकिन बारिश से क्या उगता है ये बारिश को कोई मतलब नहीं इससे है ना, कि मतलब उससे अल्फा अल्फा ग्रास उगेगी या कुछ आम का पेड़ उगेगा या क्या उगेगा, दैट डजंट मैटर. हाँ मतलब हाँ बताता हूँ. हमने बात किया था, आप आए नहीं थे शायद लास्ट एक दो क्लास में. बेसिकली इट इज एक्चुअली क्या होता है ना कि हम अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज ढंग से कर ही नहीं पाते. आपके पास फ्री विल है, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है ऊपर से, लेकिन पॉइंट क्या है ना कि आपके पास फ्री विल या डिजायर है, आप जो भी बोल लो आपके पास है, लेकिन आपको जो इनपुट मिल रहे हैं ना, एक्चुअली सोल जो करना चाहता है ना वो इनपुट आपको सही से मिल ही नहीं रहे हैं. क्योंकि जैसे हम लाल चश्मा लगाते हैं ना तो सब कुछ लाल लाल दिखता है ना, वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आपको सब चीज़ें आपकी इंद्रियों और मन के थ्रू होके अंदर जा रही हैं. ओके, सो आपको जो दिख रहा है ना वो आपके इंद्रियों और मन के थ्रू होके जा रहा है राइट. दिखता है रसगुल्ला अच्छा है राइट, मन बोलता है हाँ हाँ पिछली बार खाया था तो बहुत मज़ा आया था है ना, तो फिर आपका सोल चाहता है कि हाँ चलो ये मज़ा आएगा इससे, क्योंकि वो अपने आप को इंद्रिय और मन से साथ समझता है. वो समझता है कि मैं ही इंद्रिय और मन हूँ राइट, दैट इज द सिचुएशन, और इसलिए वो करता है जो करना है. बट अगर आप फ्री विल जो है ना, सोल की रियल फ्री विल क्या होगी, अगर वो अपने आप को इससे अलग करके देखेगा, देन दैट इज द रियल डिजायर, एंड दैट डिजायर विल व्हाट विल इट बी राइट, ऑब्वियसली वी नो राइट कि व्हाट इट शुड बी है ना, बिकॉज इटर्नल टाइम से वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, तो इसका मतलब है दैट विल बी द डिजायर टू गो बैक है ना, टू सर्व द लॉर्ड, एंड दैट इज द रियल फ्री विल. बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट गिवन, तो इनपुट इज नॉट गिवन. हम यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, हम ये इनपुट दे रहे हैं ठीक है, कि दिस इज अनदर इनपुट बाई द वे कंसीडर इट है ना, दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन. सो ओके, सो हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि जैसे फोटोग्राफ में छाप पड़ जाती है ना, वैसे ही छाप पड़ जाती है. बट पॉइंट क्या है, आप अगर फोटोग्राफ का जो निगेटिव है ना वो अपने आप तो पॉजिटिव होता नहीं, दैट्स अ डेड मैटर. इसी तरह संस्कार जो आपके ऊपर जो छाप पड़ी है, जो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि मतलब ये डेड मैटर जैसी चीज़ है, तो अगर वो जड़ वस्तु है तो उससे भी नहीं हो रहा, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अब किससे हो रहा है राइट. अगर परमात्मा नहीं करा रहे और संस्कार भी नहीं करा रहे तो कौन करा रहा है, दैट इज द क्वेश्चन दैट अर्जुन इज आस्किंग राइट.
इट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन, अगर हम इसको बहुत डीप में भी जाके समझेंगे. सो एज आई सेड, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन, राइट, कि मतलब ये या ये, नहीं थी नहीं थी, राइट, अगर दोनों नहीं है तो क्या है फिर, राइट. सो दैट दैट इज द प्रॉब्लम. या सो एनी क्वेश्चंस और इट्स ओके, राइट. जब आपके पास एग्जैक्टली जैसे होता है ना कि पी ली है ना, दारू पी, वॉमिट हुई रात में, सुबह जाके वो क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हैंगओवर हुआ है ना, और उसके बाद भी सब कुछ हुआ, बहुत बुरा बुरा हुआ, लेकिन वो सब होने के बाद भी गिर भी गए नाली में, सब कुछ हो गया, राइट. ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, बट इसका जो इम्प्रेशन है ना वो रह जाएगा, ठीक है. और जब अगली बार जेब में थोड़े पैसे होंगे, चार दोस्त साथ में होंगे, राइट, तब फिर से मन करेगा, तो वो जो निगेटिव था ना तब वो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब अप्रारब्ध बोलते हैं, बीच बन के रहता है अंदर, राइट. बट द होल पॉइंट इज कि दैट इटसेल्फ इज नॉट द रीजन, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो हियर. सिचुएशंस इम्प्रेशंस को फिर से एक्टिवेट करेगी. In the right situation, it gets rectified. Okay. But it also doesn't get rectified sometimes. Right. We'll talk. Okay. Next, let's go to the next one. And we'll discuss that. It's okay, right? So far, the whole intention for talking about this was the same. Ki, let's understand that this problem is real. Okay. One question. Yes, please. When you said जो इच्छाएं होती हैं जो डिजायर्स होती हैं जो आप फुलफिल करते हैं तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल वो भी द स्ट्राइक हो गई लाइक द रेगुलेशंस के हिसाब से राइट और उसमें एक और सेंटेंस ये भी आया था कि इवन विद दैट थिंग जैसे चांस ऑफ हैविंग एक्सीडेंट सो प्रभु जी देन मतलब कि देन बेसिकली वी आर इन अ सिचुएशन वेयर वी डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट लाइक फॉर एग्जांपल इवन इफ यू फॉलो आप याद करो उसमें क्या एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद उस परपोर्ट में, राइट, अगर हम पीछे जाएंगे, राइट, कि मतलब रॉयल रोड में भी एक्सीडेंट होता है ना, क्योंकि होना है तो हो जाएगा, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते. मेनी एग्जाम्पल्स आर पॉसिबल, I'm just refraining from giving the example which Prabhupada gave, long discussion ho jayega yahan pe. But for example, अरे जैसे कि किसी ने बोला कि अच्छा ठीक है, मतलब यू नो कभी कभी डॉक्टर बोल देता है ना कि इतना इतना मीठा खाना चल जाता है, राइट, आपको डायबिटीज है लेकिन इतना मीठा खा सकते हो, है ना. लेकिन अब तो इसका मतलब ये है कि आप हर आदमी एक्सक्यूज की तरह दे देता है उसको कि नहीं नहीं इतना मीठा मैं खा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, इट्स ओके, है ना, एक एक आध दो तो चल ही जाता है ना. रेगुलेशन में कर रहे हो आप, एक दो ही खा रहे हो, लेकिन एक्सीडेंट होने का तो चांस है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हो सकता है डायबिटीज में आपको नहीं खाना चाहिए मीठा, राइट, आपका वो अटैचमेंट नहीं जाएगा फिर उस चीज से, दैट इज द प्रॉब्लम. आई मीन सी द एग्जांपल प्रभुपाद गिव इज अराउंड मैरिज, राइट, कि मैरिज में लोग सोचते हैं कि सेक्स इज ओके, बट द प्रॉब्लम विच गेट्स इनटू दैट इज कि आपका अटैचमेंट नहीं जाता, राइट. लोग शादी करते हैं आजकल 35-40 साल में, ऐसा भी होता है, और होने के बाद ये जो गृहस्थ आश्रम है ना उसका अल्टीमेट एम क्या है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे प्यूरिफाई होके अपने सेंस डिजायर्स को कंट्रोल करके उससे डिटैच हो सकें, राइट, ताकि डिटैच होने के बाद हम जा सकें आगे, है ना, वी कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा डिजायर जो था वो इतना है नहीं कि हम आगे निकल सकें, संन्यास ले सकें. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं था तो फिर ठीक है, चलो गृहस्थ आश्रम जाएंगे. मैं आपको वैदिक सिस्टम बता रहा हूँ, आज के सिस्टम नहीं बता रहा हूँ, बट वैदिक सिस्टम में इसलिए लोग गृहस्थ आश्रम में एंटर करते थे कि धीरे धीरे करके डिटैच हो सकेंगे इससे. बट अगर आप डिटैच नहीं हो पाए, अब ये रेगुलेशन है, लेकिन अगर आप डिटैच नहीं हो पाए, राइट, तो फिर आप फंसे रह जाओगे यहाँ पर ना. दैट इज द पॉइंट, दैट्स द होल पॉइंट. हाँ बिल्कुल, काजल की कोठरी में घुसते हो ना तो कितना भी लगा के आ जाओ, कोशिश कर लो, समय तो काले तो होना ही पड़ेगा. लोग सोचते हैं कि अरे प्रभु जी मैं ना थोड़ा सा अभी जॉब करता हूँ, ठीक है, 10-15 साल पैसे कमाने के बाद फिर मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, है ना. अगर आप ऐसे कुछ सोच रहे हैं ना तो ऐसा होने नहीं वाला है, ठीक है, क्योंकि जो इंप्रेशन इकट्ठे हो रहे हैं ना यहाँ पर पूरे के पूरे अगले 15 साल तक, वो इंप्रेशन भी तो साफ करने पड़ेंगे. तो नो मैटर वॉट यू डू, मतलब इट्स गोइंग टू गेट इन टू यू. दैट्स ट्रू. प्रभु जी एक क्वेश्चन है, इंप्रेशन जिसमें बनते जा रहे हैं,
माता जी विष्णु पुराण एक श्लोक आता है राइट अप्रारब्धं फलं पापं कूटं बीजं फलोन्मुखं क्रमीणैव प्रलीयैता विष्णु भक्ति रतात्मकं सो बोलते हैं कि चाहे कैसे भी तरह का इंप्रेशन हो राइट कूट बीज कैसा भी हो कुछ भी हो राइट विष्णु भक्ति रतात्मकं विष्णु भक्ति से आप ये सारी चीजें बर्न अवे कर सकते हो सारे पुराने सीड्स को बर्न अवे करना पॉसिबल है सो दैट इज द वे मतलब यू नो चैंटिंग लॉर्ड्स नेम इज द मेडिसिन कि हम सारी चीजें बंद कर सकते हैं एंड देयर इज नो अदर वे आई एम टेलिंग यू मतलब अदरवाइज ये जो है ना इसको बंद करने का कोई और तरीका नहीं सारे शास्त्र बहुत 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 कोई नहीं बोलता इसके अलावा कोई और तरीका नहीं देयर इज नो अदर वे सो चैंटिंग इज द ओनली वे वी कैन नॉट गेट लिबरेटेड अदरवाइज ओके ऑलराइट सो वी गो टू द नेक्स्ट वर्स राइट या नेक्स्ट वर्स इज इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ लॉन्गर डिस्कशन हमने इस वर्स पे इतना लगा दिया हम तो क्वेश्चन ही पूछा था अर्जुन ने आंसर भी तो देंगे ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पे यही बात की ना कि मतलब अरे भगवान परमात्मा भी नहीं है संस्कार भी नहीं है तो कौन है कौन मतलब आखिर में राइट सो लेट मी डिसाइड एंड यू कैन डिसाइड विद मी नाउ आफ्टर मी श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धि विद्येनम् इहवैरिणाम् श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इहवैरिणाम् Anyone wants to recite? Yes, Bhadra, please. Shri Bhagavan Uvacha Kamesha Krodesha Rajoguna Samudbhava Mahashano Mahapapma Vidhyeram Vidhyavairinam Alright, anyone else? श्री भगवान उवाच कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम् इह वैरिणम् ऑलराइट थैंक यू ट्रांसलेशन एंड परफॉर्म्ड बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड इट इज लस्ट ओनली अर्जुन व्हिच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रैप एंड व्हिच इज द ऑल डिवोरिंग सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड ओके इट्स अ लॉन्ग परपोर्ट लेट मी रीड वन पैराग्राफ व्हेन अ लिविंग एंटिटी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मटेरियल क्रिएशन हिज इटर्नल लव फॉर कृष्णा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लस्ट इन एसोसिएशन विद द मोड ऑफ पैशन और इन अदर वर्ड्स द सेंस ऑफ लव of God becomes transformed into lust as milk in contact with sour tamarind is transformed into yogurt then again when lust is unsatisfied it turns into wrath wrath is transformed into illusion and illusion continues the material existence therefore lust is the greatest enemy of the living entity and it is lust only which induces the pure living entity to remain entangled in the material world okay. all right yeah so bahut sari baatein batate hain Prabhupada bahut amazing purport hai and then we'll talk about that purport also so abhi tak humne jo baat ki right ki matlab yahan pe kya bol rahe hain ki kaam aur krodh jo hai na rajogun se bante hain aur they are the problem aisa bol rahe hain ab samjhenge ki kya hota hai kaam aur krodh hota kya hai aakhir right Prabhupada batate hain definition english mein to pehle word by word samajhte hain to mahashana right mahashana ka kya matlab hota hai so kabhi ashnami word suna hai kisi ne अश्नामी अश्न वर्ण सुना है कभी किसी को याद है वो वर्ष अश्नामी आता है इसमें हाँ राइट या सो अश्नामी प्रियतात्मना राइट आई मीन बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छसि तदर्थम भक्तिरुपहृतम अश्नामी प्रियतात्मना तो अश्नामी का मतलब होता है एक्सेप्ट आई ईट
ऑफ सॉर्ट्स राइट. तो यहाँ पे वही वर्ड आ रहा है महा प्लस अश्न. ओके वही वाला अश्न है. तो अश्न का मतलब आप समझ लो मोटा मोटा कि आई ईट टाइप. अगर आप ऐसे सोचोगे ना तो बहुत सारा खाने वाले को हम बोलते हैं पेटू राइट. बट महा प्लस अश्न मीन्स लाइक महापेटू. ठीक है समथिंग लाइक दैट राइट. सो दैट इज वन वे टू अंडरस्टैंड दिस कि महाअश्न इज महापेटू राइट. सो मतलब बेसिकली जिसका पेट भूख कभी भरती ही नहीं है उसको कितना भी दे दो उसका पेट नहीं भरता. ठीक है रेडी टू ईट एनीथिंग कंज्यूम एवरीथिंग राइट. सो दैट इज महाअश्न राइट. सो अब आप बोलोगे कि अरे किसी को भूख लगी है तो प्रॉब्लम क्या है बेचारे को दे देते हैं जो खाने को है राइट. मतलब व्हाट इज द बिग प्रॉब्लम. मतलब किसी भूखे को खाना खिलाना तो अच्छा काम है पुण्य का काम है. तो नहीं एक और एडजेक्टिव बताते हैं भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं कि महापापमा. महापापमा मतलब कि ऐसा है लस्ट ये और रैत जो भी है ऐसा महापापमा है कि आपको वो उठा के नर्क में भेज देगा राइट. बट उसको फर्क नहीं पड़ रहा इससे उसकी भूख मिटती रहनी चाहिए जो कि कभी नहीं मिटेगी. ओके और आप नर्क जा रहे हो उस बात के लिए इट डजंट केयर अबाउट इट. दैट इज द सिचुएशन दैट इज द लेवल ऑफ लस्ट राइट. इसीलिए वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा एनिमी है आपका. ठीक है उसकी सिर्फ भूख मिटनी चाहिए जो कि कभी नहीं मिटेगी एंड इट डजंट केयर राइट. सो या सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ लस्ट. मतलब प्रभुपाद एक 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 रिक्वेस्ट बहुत 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 बार कोट करते हैं. बोलते हैं कामातुराणाम न भयम न लज्जा. ओके ऐसे बोलते हैं. तो मतलब जो काम में फंस गया ना उसको ना भय होता है ना लज्जा होती है सिर्फ उसका लस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए राइट. डजंट बॉदर डजंट मैटर क्या क्या गलत और क्या सही. लोग अपने घर वालों को छोड़ देते हैं राइट. हमने अजामिल के बारे में पढ़ा था. हमने माँ बाप को छोड़ देते हैं अपनी वाइफ बच्चों को छोड़ देते हैं सिर्फ मेरा काम. काम का मतलब क्या होता है वैसे. काम का मतलब पहले समझ लेते हैं. काम का मतलब क्या होता है. नहीं नहीं मुझे भगवान को पाने की डिजायर है क्या वो काम है. हाँ एग्जैक्टली प्रभुपाद बोलते हैं परपोर्ट में राइट. अभी बोला है ऐसा कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम राइट. अपने अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जो जो डिजायर है ना उसको बोलते हैं काम. अगर भगवान के लिए है तो उसको प्रेम बोलते हैं है ना. तो दैट इज वन वे टू अंडरस्टैंड. सो हाँ एक बार काम में फंस गए ना तो ना भयम ना लज्जा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए डजंट मैटर राइट. क्या क्या कर लेंगे लोगों को कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. इलिसिट रिलेशनशिप वट एवर सो मैनी वियर्ड थिंग्स राइट. पीपल डोंट थिंक. हाँ लोगों को किसी को सिंफुल एक्टिविटी करने में शर्म नहीं आती है. शर्म किस में आती है कि बीट बैग गले में डाल के बाहर जाने में राइट. मतलब उसके लिए शर्म आती है. अगर कोई कोई लेडीज या कोई भी सिगरेट पी रहे हैं तो देन नोबडी फील्स अशेम्ड ऑफ इट राइट. किसी को बोलोगे एक माला कर लो तो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे लोग क्या कहेंगे मतलब देख के माला करता हुआ देख के राइट. तो उसमें वह शर्म आती है लोगों को. दैट इज द ओनली प्लेस वेयर वेयर पीपल फील अशेम्ड अबाउट राइट. तो विद्या यह नम इह वेरी नम यानी कि इह का मतलब होता है कि इस संसार में. ओके सो बेसिकली देर इज नो अदर एनिमी. मतलब ऐसे बोलते हैं कि इसके अलावा और कोई एनिमी है ही नहीं. दिस इज द ओनली एनिमी इन दिस वर्ल्ड. ओके दिस इज वॉट ही सेइंग. सो समथिंग टू थिंक वेरी क्लोजली अबाउट कि अरे कैसे नहीं और कोई मेरे तो और भी तो 10-15 एनिमी हैं या ज़्यादा भी होते हैं लोगों के राइट. ऑफिस में घर पे इधर उधर सोसाइटी में एनिमी होते हैं. कहाँ गए राजीव प्रभु एनिमी. सो बेसिकली कितने सारे एनिमी होते हैं राइट. बट अगर हम सोचेंगे ना सोल के लेवल पे मतलब समझने वाली बात है कि सोल के लेवल पे आपका कोई और एनिमी हो भी नहीं सकता राइट. इट इज नॉट पॉसिबल. कौन आपको टच कर सकता है. आप सच्चिदानंद हो तो कोई आपको टच भी नहीं कर सकता है ना. लेकिन कौन एनिमी है जो आपको यहाँ पे फंसा के रखा हुआ है. दैट इज द ओनली एनिमी पॉसिबल जो आपको इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में यहाँ पर इतने पेन में फंसा के रखा हुआ है. दैट इज द ओनली एनिमी एंड दैट्स व्हाई कृष्णा इज सेइंग दैट इज द ओनली एनिमी दैट यू हैव. देयर इज नो अदर एनिमी. कोई और एनिमी है ही नहीं आपका एज अ सोल राइट. इट डजंट मेक सेंस. वो आपको क्या ही कर लेगा कोई आपका जो सो कॉल्ड दुश्मन है वो क्या ही कर लेगा आपका है ना. सो इट इज नॉट पॉसिबल एंड एज आई वाज सेइंग राइट. जब ये सब चढ़ जाता है चश्मा ना लस्ट का तो बस फिर तो सारी दुनिया मतलब यू नो उसके थ्रू ही छन के जाती है हमारे अंदर. और सोल जो है जो दिखाई देता है वो करता है. फिर उसको जो बता दिया गया कि बस में बहुत मजा आएगा ऐसा करो मन बोलेगा ये बोलेगा वो बोलेगा सारी चीजें बोलेंगी इंद्रियां बोलेंगी. क्योंकि इंद्रियां अपना काम करती है ढंग से राइट. इंद्रिय जो है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंद्रिय अपने इंद्रिय विषयों से बिल्कुल क्लियरली अटैच्ड है ना. फॉर्म वाली इंद्रिय और फॉर्म इस तरह से हर इंद्रिय अपने इंद्रिय विषय से प्रॉपर अटैच्ड है
राइट, सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर है ना, लेकिन हम लोग क्लियर नहीं है राइट, हम लोग एज अ सोल एज अ पर्सन राइट, वी आर नॉट क्लियर कि हमें किससे अटैच होना है, क्या करना है, क्या सच है, एंड वी थिंक कि जो यहाँ से इनपुट आ रहा है बस वही कर लो, एंड उसी को हम अपनी फ्री विल समझते हैं, हर एक आदमी को लगता है कि वही फ्रीडम है ना, सिगरेट पीना ही फ्रीडम है, बट दैट इज नॉट द केस, आई डोंट नो, सिगरेट पीना फ्रीडम है उसके ऊपर भी कहानी है वैसे भाई, एनीवेज इट गो इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, सो ओके सो आई विल स्किप दैट स्टोरी, बट हाँ एनीथिंग एनी डिजायर राइट, एज आई सेड राइट, प्रभुपाद लिखते हैं जो एनी डिजायर विच इज नॉट रिलेटेड टू गॉड इज काम, दैट इज हाउ टू अंडरस्टैंड राइट, एनीथिंग सेपरेट फ्रॉम गॉड एनी डिजायर लाइक दैट इज काम, देयर इज नथिंग एल्स राइट, सो ओके अगेन एज आई सेड यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ बोले आपको निष्काम कर्मी योग करने से भी कौन रोकता है, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ पॉइंट टू थिंक अबाउट, दैट इज ऑल्सो दिस काइंड, जो आपको निष्काम कर्म योग भी नहीं करने देता, योग हटा दो निष्काम कर्म भी नहीं करने देता, योग भी हटा दो राइट, क्योंकि आप निष्काम बिना रीजन के आपको बोलेगा ना कोई कि रोज सुबह जाओ और कम्युन के सामने झाड़ू लगा दो, इट्स अ गुड थिंग टू डू राइट, मतलब व्हाई विल यू नॉट डू दैट, और व्हाट एवर इट इज राइट, एक्स वाई जेड, मतलब एक जस्ट एक रैंडम एग्जांपल मैंने उठा लिया, बट आप कुछ भी सोच लो, मतलब बिना कारण के करना है राइट, करोगे क्या, मतलब वो झाड़ू लगाने वाले को बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल कि आपको पैसे नहीं देंगे भाई, आपका कर्म है करो राजा के, क्या वो करेगा, कोई नहीं करता आपको जी, मतलब आप सोच के देखो, हस्बैंड वाइफ मतलब वाइफ छोड़ के चली जाएगी अगर हस्बैंड बोलेगा कि नहीं मतलब यू नो अब मैं अपना धर्म करूंगा, मैं तो सिर्फ भगवान का भजन करूंगा है ना, सो क्यों ऐसा होता है, सैलरी वाली भूल जाओ, व्हाई व्हाई डज आई मीन देयर आर बिलियंस ऑफ एग्जांपल, आप कहीं पर भी उठा लो राइट, मगर हम लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए ही फिर पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ काम है सब तरफ, हर रिलेशनशिप में इस दुनिया में सिर्फ काम ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, प्रेम सिर्फ भगवान से ही होता है और किससे होता ही नहीं है, हर रिलेशनशिप इज लाइक दैट, मतलब मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं जाना चाहता इस वर्स में, बट मैं अगर जाऊंगा तो ऐसा ही निकलेगा आंसर उसका राइट, बट या सो व्हाट इज दैट व्हिच स्टॉप्स अस, सो काम इज द ओनली थिंग और कुछ है ही नहीं, हम समझेंगे काम है क्या पहले भाई देखो राइट, क्योंकि हां हां मतलब दैट इज वन ऑफ द, मैं इसलिए मैं थोड़ा मेलो डाउन कर लेता हूँ अपने आपको, तो बेसिकली उसको हम बोल सकते हैं कि इस दुनिया के हिसाब से हाँ भाई मतलब बिना उसके होता है थोड़ा सा रिलेशनशिप, पर क्या ऐसा नहीं होता है कि हमें लगता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो के हमारी सेवा करे राइट, है ना, तो वो तो है होती है ना, मतलब कि हमारा बच्चा मेरा बच्चा है लाइक यू नो, तो ऐसा उसका नंबर अच्छा आना चाहिए, लोग मेरे को बुरा ना बोले, है ना, दैट इज वॉट वी थिंक अबाउट राइट, ये बच्चा पढ़ने के लायक है कि इसका कुछ और करने का मन है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है राइट, मतलब हो सकता है कि ही इज अ पेंटर शायद राइट, मे बी वो पेंटर पेंटिंग में ज्यादा अच्छा करेगा, लेकिन नहीं नहीं मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आईआईटी में होना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे का हो गया, उसके बच्चे का हो गया, तो मेरे बच्चे का भी आईआईटी में होना ही चाहिए, है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, इट्स अवर इंजॉयमेंट टेंडेंसी राइट, दैट्स व्हाट कम्स इन ऑन द वे, सो काम इज द ओनली थिंग दैट वे, सो ओके सो अगेन एज आई सेड राइट, बलदेव विद्याभूषण की आज कॉमेंट्री पढ़ते हैं, इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉमेंट्री दैट ही गेव इन दिस वर्क फॉर दिस वर्स, so I really thought let's do that, yeah. So let me read that part by part, right? The Lord speaks desire kama for sense objects like sound, maine project kiya hua hai waise na, to aap logo ko dikh raha hoga hopefully right, for sense objects like sound caused by previous impressions vasna instigates the jiva to commit sin even though the jiva does not want to do it, kama is the instigator, to kya bol rahe hain ki instigator, jo pichla question pucha tha na pichle verse mein कि कौन है इंस्टिगेटर, तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि काम इज द इंस्टिगेटर, काम ही है जो एक्चुअली लोगों को फोर्स कर रहा है और कोई नहीं है राइट, अब काम क्या बोलते हैं कि वो पिछले इंप्रेशन से आता है, वासना जिसको बोल रहे हैं राइट, जिसको मैं संस्कार बोल रहा हूँ राइट, तो बोल रहे हैं कि उससे आता है काम, लेकिन हमने पिछले वर्ष में तो बात किया था कि ये संस्कार से नहीं होता है कि नहीं, पिछले वर्ष में बात किया था अभी, पर बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि उससे होता है, हो गया, तो क्या कौन झूठा है, बट आई विल टॉक, सो बेसिकली या सो ट्रस्ट मी कि मतलब संस्कार बस से नहीं होता है, एज आई सेड संस्कार इज द नॉट द ओनली रीजन, बट बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि काम जो है वो संस्कार से आता है, सो स्टे विद मी राइट, सो एसेंशियली
होता क्या है ना कि मतलब इंप्रेशंस डेफिनेटली आर वन ऑफ द रीजन, बट इंप्रेशंस आर नॉट द ओनली रीजन, दैट इज द होल गेम, होल द होल पॉइंट टू अंडरस्टैंड. हम इसको थोड़ा ध्यान से इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि यही हमारा वैरी है. अगर एक ही वैरी हो आपका तो आप, होता क्या है ना कि जैसे जब कोई दुश्मन होता है ना तो उसको हराने के लिए ना बहुत सोच समझ के प्रिपरेशन से करना पड़ता है, राइट. और ये अर्जुन को बता रहे हैं कि दुश्मन है, राइट, क्योंकि अर्जुन जो कि क्षत्रिय है, राइट. और दुश्मन को हराने के चार तरीके होते हैं, साम दाम दंड भेद, राइट. हम सारी चीजों को एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर ये दुश्मन यही बस है तो इसको हराए कैसे. दैट इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट, एंड प्लान अराउंड इट, अदरवाइज हम कैसे हराएंगे उसको. सो जैसे भक्ति भी करने लगते हैं ना तो संस्कार चले जाते हैं काफी, बट सारे नहीं जाते, राइट. सारे कुछ कुछ रह जाते हैं, आपको मिलेंगे भक्त दिखेंगे, राइट, मतलब मेरे जैसे आदमी दिखेंगे, बहुत सारे अजीब अजीब संस्कार लिए बैठे हैं, राइट. सो बहुत सारे संस्कार होते हैं, रह जाते हैं कहीं ना कहीं, इंप्रेशंस फिर भी पड़े हुए हैं कहीं कहीं के, राइट. टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन कितना बैगेज है आपका. सो बेसिकली सिर्फ संस्कार ही पावरफुल होते हैं ना तो हम जो करना होता है ना वो करवा लेते हैं हमसे, बट सिर्फ संस्कार ही पावरफुल नहीं है, ओके. और अच्छी बात क्या होती है ना, इसलिए भक्ति करना इज अ गुड थिंग, क्योंकि भक्ति करने से क्या होता है ना कि अच्छी संस्कार बनते हैं. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो एक बार भी भगवान का नाम आप ले रहे हो ना, एक बार भी यहाँ बैठ के प्रसाद खा रहे हो ना, मंगल आरती सुबह कर रहे हो ना, वो सारे संस्कार आपके साथ कभी नहीं जाएंगे आपसे, ओके. दे विल ऑलवेज बी विथ यू, राइट. दैट इज द गुड पार्ट ऑफ डूइंग भक्ति ऑल्सो, कि पुराने संस्कार अभी खत्म नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, नए संस्कार भी बन रहे हैं लेकिन, राइट, अगर हम भक्ति करते जाएंगे. सो वी शुड नॉट थिंक कि अरे मैं, कई बार लोगों को लगता है कि मैं तो ऐसा भी करता हूँ, मैंने ऐसा भी करता हूँ, इसका मतलब मैं भक्ति नहीं करूँगा टाइप का, ऐसी फीलिंग आती है लोगों को, राइट. मैं भी प्योर डिवोटी तो नहीं हो पाया हूँ, राइट, नहीं हो पाया हूँ तो कोई बात नहीं, राइट, बट फिर भी करो भक्ति, ठीक है. एंड ग्रेजुअली दिस संस्कार विल ओवरटेक, ओके. और हाँ, द सॉल्यूशन इज, अगर आपके संस्कार नहीं गए हैं, राइट, तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका? सॉल्यूशन होता है संयम रखना पड़ता है कभी कभी, राइट. आपको जैसे कोई पहले पीता था, राइट, अभी भक्ति करने लग गया और फिर उसके बाद भी पीने की आदत तो नहीं चली जाएगी उसकी एक दिन में, राइट, तब तो संयम रखना पड़ेगा शुरू में. भगवान बोलते हैं सेकंड चैप्टर में, राइट, कि टॉलरेट, जब ऐसा कुछ होता है ना तो टॉलरेट करना पड़ेगा, थोड़ा तो संयम रखना पड़ेगा, मतलब. बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हेल्प इन दिस, एंड आई विल एक्सप्लेन दैट, बट संयम इज वन ऑफ द थिंग दैट वी हैव टू कीप, राइट. एंड अगर आप संयम रखते हो ना तो ये संस्कार कुछ नहीं कर पाते, आप ऑब्जर्व करके देखो, मतलब इवन आपको मन करेगा लेकिन अगर आपने उस पर एक्ट नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनेगी तब, है ना. ऐसा होता है ना, किसी ने देखा है ऐसा क्या? मैं एक बार, मुझे याद आ रहा है, मतलब एक बार बहुत पुरानी, बहुत साल हो गए, पुणे में एक बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, कोई नए नए डिवोटी थे उस टाइम पर बने थे, और मैं उनकी कार में, नहीं मेरी कार में, हाँ नहीं उनकी कार में हम जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है. और पीछे पूरा बैग, पूरा बॉक्सेस वॉक्सेस भर के अच्छे से जा रहे थे, बहुत दूर था, मतलब ना वहाँ पे गणपति के बहुत सारे मंदिर हैं, तो वहाँ पे हम ना उस टाइम पे फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ जा रहे थे दिन भर. तो हम बहुत इंटरेस्टिंग काम, मतलब मुझे तो मराठी भी नहीं आती थी, मैं तो लोगों से पूछ लेता था एक दो वर्ड्स, एक दो लाइन्स की ये बोलना है वो बोलना है, और जोर जोर से बस सारे दिन वही चिल्लाते रहते थे हम बॉक्स के बॉक्स हम खाली कर देते थे. तो उनमें से तो उन्होंने मुझे बताया रास्ते में कि प्रभु जी मैं ना सिगरेट पीने की मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आदत थी, इतनी आदत थी कि सिर्फ सिगरेट ही नहीं, मतलब यू नो मैं नीचे जाता था अपने माइनस वन में और वहाँ पे बैठ के पी के भी आ जाता था, सिगरेट भी पी लेता था और शराब भी पी लेता था. बोलते हैं कि अभी मैंने शराब पीना तो छोड़ दिया, बट सिगरेट का मुझे अभी भी श्योर नहीं है कि मतलब मेरी छुट्टी है कि नहीं. तो बोलते हैं जस्ट इन केस नहीं छोड़ पाऊँ तो मैंने ना अपने डैशबोर्ड में सिगरेट का एक मुझे दिखाया, देखो एक डब्बा मैंने अभी भी रखा हुआ है, ठीक है, जस्ट इन केस अगर कंट्रोल ना हो. लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने अभी तक छुआ नहीं है इसको, मतलब ये रखा हुआ है यहाँ पर और ऐसे ही है, राइट. एंड ही इवेंचुअली गॉट आउट ऑफ इट. तो संयम रखना पड़ता है, अगर हम कंट्रोल करेंगे ना तो नथिंग विल हैपन, राइट, नथिंग बैड विल हैपन, दैट इज रियल. आई एम नॉट सेइंग कि हरि नाम इज नॉट पावरफुल, वो आपको यहाँ से निकाल के लेके जाएगा, बट वी हैव टू डू समथिंग. कभी कभी लोग इस मोड में आ जाते हैं कि अरे हम नॉनवेज खाते हैं, मतलब जिस दिन मतलब हमारा अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी उस दिन हम नॉनवेज छूट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चैंटिंग तो करते हैं ना आखिर, राइट, भले नॉनवेज खाते हैं तो क्या हुआ, एक ना एक दिन प्योरिफिकेशन हो जाएगा और उस दिन सब सही हो जाएगा, राइट. इज दैट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट? यू शुड थिंक, राइट, मतलब एक दिन प्योरिफिकेशन हो जाएगा, नो डाउट, राइट, बट उस दिन का क्यों वेट कर रहे हो जब आपको शास्त्र कहते हैं कि भाई इससे बहुत बड़ा पाप है ये, है ना, तो फिर क्यों कर रहे हो आपके काम? वाई कैन नॉट यू लीव इट? What does it take? कोई काफी अजीब अजीब रीजन देते हैं लोग. कभी लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मेरा ना मतलब जप करने में मेरा ना माइंड कोऑपरेट नहीं करता है,
ओके मन नहीं लगता है ना, तो भाई जंप करने में अगर आपका माइंड आपसे कॉपरेट नहीं कर रहा है तो आप भी माइंड से कॉपरेट मत करो ना, मतलब कौन बोल रहा है कि आप उससे कॉपरेट करो, और जंप वैसे भी जीप से करना है, माइंड से तो करना भी नहीं है आपको, तो इसलिए इतना दिमाग लगाने का कुछ नहीं है इसमें, है ना। सीधा सीधा जो जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरु कहते हैं, बस वो फॉलो करना है, कुछ भी सोचने का नहीं है यहाँ पर, राइट। कुछ इन्वेंट करने के लिए नहीं बचा है, अपनी बुद्धि से सॉल्व नहीं करना है प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी बुद्धि मन ये सब जो है ना वो सब बेकार है। मतलब आई थिंक नव योगेंद्र स्वामी महाराज एक बोलते हैं कहीं पर कि क्या, मलिन मन की हर बात बेकार है, सिर्फ हरि नाम ही सार है, ऐसे बोलते हैं। सो बेसिकली बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए, माइंड नहीं कॉपरेट कर रहा है तो मत करने दो माइंड को कॉपरेट, राइट। यू डू वट एवर यू आर डूइंग बिकॉज दैट्स व्हाट शास्त्र से, दैट इज द ट्रूथ, जस्ट डू इट, डोंट बॉदर वट एवर इट इज, डजंट मैटर, राइट। सो ये क्या बोलिए, हाँ दे दीजिए, थैंक यू, वेलकम। ओके सो या व्हाट, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, गेम खेलने से नॉन डिवोटी नहीं बनते, ओके जस्ट टू टेल यू, ओके। फॉर एग्जाम्पल जब आप, अगर आप पढ़ोगे भागवतम में, जब व्हेन कृष्णा वाज नॉट बॉर्न, राइट, उनके पेरेंट्स को कंस वाज अबाउट टू किल, राइट, सो वसुदेव जी ने कंस को समझाया, राइट, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सही वो गलत, दुनिया भर की बातें, है ना, उसके कारण उसने मारना छोड़ दिया। वॉज इट अ गेम प्लेड बाय वसुदेव, राइट, why not? See, the point is, okay, again another example I'll give, the point is ki bahut sare examples diye ja sakte hain is baat pe, the point is ki krishna bhakt hone ka matlab hota hai ki Prabhupada batate hain ki daksh hota hai wo, okay, one of the quality of devotee, yahan par bhagavad gita mein aayega bahut aage jaake, kai saal lagenge jis speed se hum chal rahe hain, but basically wahan bolte hain daksh hota hai wo, okay, daksh matlab he's an expert, okay। Now, expert होने का मतलब होता है कि expert in everything, right? कृष्ण भक्त वो नहीं होता है, मूर्ख नहीं होता है, ठीक है, मूर्ख नहीं बनना है हमको, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है ना, गेम क्या है ना यहाँ पर, कि जब आप मोड में, आप लोगों को क्या लगता है ना कि मोड ऑफ पैशन से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो मुझे जब एक्ट करना है ना अपने ऑफिस में, तो मोड ऑफ पैशन में एक्ट करना चाहिए, है ना, मोड ऑफ पैशन मतलब मेरा ये उसका ये ऐसा वैसा, राइट, उस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पर शास्त्र बताते हैं कि जो है ना, मोड ऑफ गुडनेस इज द राइट मोड टू बी, ओके, तो अगर हम अपना मोड ऊपर लेके जाते हैं ना, तो वहां पर सिर्फ नॉलेज और आनंद है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें ना इफेक्ट करना कम कर जाएंगी, एंड यू विल प्ले व्हाटएवर यू हैव टू डू, डू इट, राइट, बट आपको ना इफेक्ट अल्टीमेटली होता क्या है ना, इट इज ऑल अबाउट आवर कॉन्शियसनेस। सच बताऊं तो हम लोग वैदिक सिस्टम में रह नहीं रहे, आइडियल वैदिक सिस्टम में तो ये सब सिचुएशंस आनी ही नहीं चाहिए, बट वी आर नॉट इन द आइडियल वर्ल्ड, राइट। हमारा शुरू करना, जैसे हम शुरू, आप शुरू नहीं कर रहे हो, आप तो दिख रहा है कि आप यूर वे एलिवेटेड देन मी, बट बेसिकली द पॉइंट इज कि हमें करना क्या चाहिए कि अपना ऑफिस शुरू हुआ और ऑफिस खत्म हुआ, उस बीच का एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि सैंड बॉक्स कर दें पहले, ओके, शुरू करें मंगल आरती से, शाम को भागवतम पढ़े, क्लास ऑफिस खत्म होते ही, राइट, सो दैट हम अपना कट ऑफ कर दें अपने आप को, राइट, दैट इज वन थिंग टू डू, क्योंकि अल्टीमेटली इसका इंप्रेशन हम कितना ले रहे हैं ना, एंड दिस इज like a very simple pill, okay, but and gradually आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारी साधना आगे जाती है, वैसे वैसे हमारे ऑफिस की लाइफ में भी हमारे ये अच्छे संस्कार जो है ना वो अंदर आ जाते हैं, ठीक है, seriously speaking, that this happens and it cannot be stopped also, मतलब it cannot be stopped, आप छोड़ नहीं पाओगे, आप लोगों से, मैंने ऐसे devotees को देखा है, मतलब you know, जो मतलब heated argument में they, when they start speaking ना, they will say something like कि I humbly tell you this, ह्यूमिलिटी है ना वो इतनी अंदर चली जाती है ना कि आप हमेशा ऐसे ही रहते हो, मतलब यू नो दैट पर्सन, मतलब बेसिकली नेटवर्क अराउंड प्रॉब्लम, बेसिकली सो आई सीन हिम सो मेनी टाइम्स, मतलब यू नो कि अरे एंड दैट गेट्स हिम, और तब आपको ना ये चीजें, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू,
मतलब प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व करने के ना कई तरीके होते हैं, हमें लगता है कि यही एक तरीका है, गेम खेलना ही तरीका है, राइट? मे बी इट इज द केस, मतलब नोबडी स्टॉपिंग कि यू प्ले गेम, ओके, इफ दैट इज द राइट थिंग टू डू, हमारा कॉन्शियसनेस अगर उस लेवल पे होगा ना, तो हम वो करके भी हमको क्या इफेक्ट होता है ना, दैट इज मोर मोर इम्पोर्टेंट. You feel bad about it. हाँ, नहीं, it depends what game. See, it is a lot about our mood. मतलब it is not about the game itself. जैसे मनु स्मृति बोलती है ना कि नॉनवेज खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द आपके अंदर की जो सिंपल टेंडेंसी है ना, दैट इज बिगर प्रॉब्लम. दिस वॉट दे से, ओके. सो हम लोग किस मोड में है ना, उस पर बहुत मैटर करता है. मतलब किस लिए गेम खेलना है, फॉर एग्जाम्पल, अरे अगर हमको नालागंडला में मंदिर बनाना है, उसके अब प्रभुपाद जब राधा लंडनेश्वर बन रहा था ना, तो वहाँ पर एक पता है आपको कि कैसे बना, सो बेसिकली वहाँ पे किसी एक अमीर आदमी के घर पे थे वो डीटीज, और वहाँ पे गए प्रभुपाद अपने सारे डिसाइपल्स के साथ, देखा उन डीटीज को, राइट? पर उनका कुछ और था, वो बोल रहे कि हम देंगे आपको डीटीज, दे देंगे, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, आपको ये वाले देवता का भी रखना पड़ेगा, ऐसे वैसे कुछ कुछ पूजा हमारे हिसाब से होगी, सब कुछ सुनते रहे प्रभुपाद. अचानक से उन्होंने बोला अपने लोगों को, अपने डिसाइपल्स को, उठाओ डीटीज को और चलो, ओके. और उन्होंने उठाया डीटीज को और बैठ गए कार में और चले गए. Okay, they didn't ask a single question. This is a real story. I'm not making up it up. और आधे रास्ते में फिर प्रभुपाद ने रोकी गाड़ी और फिर दंडवत किया वापस, कि बोला कि भगवान देखिए, मतलब आपको मेरे को ऐसे लेके आना पड़ा, बट मुझे पता है कि मतलब मेरा इंटेंशन और आपका इंटेंशन सेम है, लाइक यू नो, एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, राइट? नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. सो इट्स ओके, डिपेंड्स ऑन विच लेवल यू आर इन. मतलब मैं आपको बहुत सारे और 50 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, अलवर्स के एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ. इट इज नॉट अबाउट वॉट वी डू, बट वाई वी डू इट, राइट? If the aim is higher, right, कि मैं जो कर रहा हूँ ना, जो मैं पैसे कमा रहा हूँ ना, ये एक्चुअली मैं भगवान के लिए यूज करने वाला हूँ. मेरा जो घर है ना, वो भगवान के लिए यूज होगा, मेरी जो कार है वो भगवान के लिए यूज होगी, तो फिर ठीक है, आप कार खरीदो, दो, एक की जगह 10 खरीदो, ठीक है. बहुत सारे डिवोटीज हैं जो आई कैन नॉट, लाइक देयर सो मेनी, बट आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट? कि इंटेंशन, एम क्या है. हाँ, अगर एम वो बहुत अंदर जब चित्त में चला जाएगा ना, तो हम जो भी करेंगे ना, वो चीज हमें इफेक्ट नहीं करेगी. ओके, सो इट इज नॉट, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज अस, इट्स नॉट आउटसाइड, द गेम इज नॉट द प्रॉब्लम. ओके ओके, कमिंग बैक, वेयर वाज आई, हां, आई डोंट नो वेयर आई वाज, ठीक है. सो हां, आई वाज टॉकिंग अबाउट संयम, राइट? कि संयम, संयम तो थोड़ा रखना पड़ेगा मैडम, यू नो, एंड दैट इज ऑब्वियस, राइट? कि शराब पीने का मन कर रहा है तो नहीं पिएंगे, नॉनवेज खाने का मन कर रहा है तो नहीं खाएंगे, बिकॉज इज नॉट द राइट थिंग टू डू, राइट? अब उस दिन का वेट नहीं करेंगे जिस दिन एलिवेट होके सब सही हो जाएगा, क्यों वेट करना है उसका, है ना? तो वेट नहीं करेंगे, संयम रखेंगे, क्योंकि खैर क्योंकि छोड़ते हैं, बट नॉनवेज तो मतलब आई कैन टेल यू दिस मच कि मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग टू ईट, बट ठीक है. सो फ्री विल जो है ना, वो हमारी कभी हमसे ली नहीं गई है, दैट इज अगेन द पॉइंट, राइट? हमारी विल, दैट डिजायर, हमारा जो विल है ना, कि हमको क्या करना है, that is never been taken up from away from us, right? तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमें step लेना होगा, है ना? wait नहीं करना है कि purification होगा तब मैं ऐसा अपने आप हो जाएगा मेरे साथ, क्या पता ना हो, क्योंकि आप ये तो कर रहे हो, ये कितना बड़ा पाप कर रहे हो, राइट? वो प्योरिफिकेशन करने देगा आपका, तो इसलिए स्टेप तो लेना होगा. ओके, क्या पता प्योरिफिकेशन तक जिंदा रहे ना रहे, तो प्योरिफिकेशन का क्यों वेट करें हम. So yeah, that's the any questions, anyone else has? आपने इस पे एक बार एग्जांपल बताया था ना, जैसे अगर आप किसी फायर में अगर आप घी डाल रहे हो, तो फायर उससे कम नहीं होगा, बढ़ते ही जाएगा. So similarly, like यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि नहीं, मतलब आपको उसे कंट्रोल करना ही पड़ेगा. महाशना मतलब भाई मैंने बताया ना कि ऑल डिवाउरिंग ऐसे बोलते हैं प्रॉपर, राइट? कि मतलब सब कुछ खत्म कर देगा, महापेतु है, मतलब यू नो, उसको जितना दोगे उतना खा जाएगा, राइट? तो इसलिए उसको नहीं देना है. कई बार लगता है ना कि उसको दे के, क्योंकि दुश्मन को हराने के चार तरीके होते हैं, राइट? उसमें से एक होता है कि उसको कुछ दान दे दो, है ना? बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क विद दिस गाय. जितना दोगे उतना चाहिए होगा उसको, सो इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, राइट? एंड बेसिकली एज आई सेड, राइट, कि वैष्णो निंदा ये सब चीजें हम लोगों को करने में मजा आता है, राइट? तो हमको संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, है ना? क्योंकि हमारी सारी साधना खा जाएगी ये चीज, एक छोटा सा गलत एंगल. सो काम बेसिकली एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि काम तभी एक्ट कर सकता है जब जीव उसकी इच्छा करता है. क्योंकि तो जो यहाँ बोल रहे हैं ना कि इंप्रेशन से होता है, बट इंप्रेशन बस से नहीं होता है,
द वे टू अंडरस्टैंड इज कि काम जो है ना हमारी इच्छा पे भी निर्भर है. ओके सो अगर काम का फॉर्मूला बनाएंगे ना तो काम इज इक्वल टू जीव की इच्छा प्लस आपकी डिजायर लाइक यू नो प्लस इंप्रेशन राइट. मतलब यू नो सो जीव की इच्छा प्लस प्लस इंप्रेशन ये दो चीजें मिलके काम बनता है राइट. तो इसमें से किसी को भी कट किया ना तो निकाल सकते हैं. तो हमारे को अपना वो भी समझना पड़ेगा. बह नहीं जाना है कि इंप्रेशन था पिछली बार पिया था तो मजा आया था उतना ही याद रहेगा कि मजा आया था उसके बाद का कुछ याद नहीं रहेगा उस पॉइंट पे राइट. कि नाली में गिरा था ये हुआ था वॉमिट हुई थी सब भूल जाएंगे राइट. उस समय समझना पड़ेगा कि नहीं नहीं पीना है इट्स द रॉन्ग थिंग. शास्त्र कहते हैं नहीं पीना चाहिए गुरु कहते हैं नहीं पीना चाहिए तो नहीं पिएंगे दैट्स इट राइट. देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन कुछ और नहीं चाहिए. जा रहे थे हजार भरा मौसम था मस्त दिन था बढ़िया साथ में गए दो तीन घंटे एनीवेज सो आगे चलते हैं आगे पढ़ते हैं इनका फिर हम वो भी बताऊंगा मैं कि आपको वाला एक्सप्लेन करूंगा इसमें आगे बताते हैं राइट. सो पॉइंट ये है कि जो इंप्रेशन है ना वो जड़ वस्तु है लेकिन जीव तो चेतन वस्तु है ना. और अगर जीव की इच्छा रहेगी ना करने की तो फिर ये हो जाएगा नहीं तो सिर्फ संस्कार से ये नहीं होता है राइट. दैट इज टू कीप इन माइंड राइट. बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम इसको ना अपना फ्रेंड समझते हैं अपने माइंड को राइट. और जो भी माइंड जो हमको बताता है ना कि अरे मजा आया था पिछली बार दिस इज दैट इंप्रेशन राइट कि मजा आया था और हम सोचते हैं कि अपना दोस्त है बता रहा है तो फिर मजा आया ही होगा राइट. बट ये एक्चुअली नहीं है हमारा फ्रेंड राइट. जैसे पुराने जमाने के राजा जो हार गए थे कैसे हारे थे पता है आपको. उनके यहाँ पे घुसपैठिया होता था है ना घुसपैठिया और उसको उसके थ्रू वो लोग अंदर की खबरें निकाल के उसको हरा देते थे. हमारे यहाँ पे घुसपैठिया कौन है ये सब इंद्रिय मन हमारे घुसपैठिया है ओके जिनको हम समझते हैं कि हमारे फ्रेंड है और उस फ्रेंडशिप के चक्कर में फंस जाते हैं हम लोग राइट. बिकॉज वी थिंक दे आर अवर फ्रेंड्स दैट इज नॉट द केस ट्रस्ट मी ओके दैट इज नॉट द केस. तो मैंने बोला ना कि जो बोलते हैं नवयोगेंद्र महाराज की मलिन मन की हर बात बेकार है दैट इज वॉट इट इज हर बात बेकार है जो भी आ रही है ना उसको उसको छोड़ दो राइट. सो एनीवेज या ओके व्हाट एल्स. हाँ तो एक्चुअली कभी कभी लोग सोचेंगे कि अच्छा फ्री विल जैसे फ्री विल के बारे में बात हो रही है राइट कि अपनी विलिंगनेस से मैं कर लूंगा राइट. बट विलिंगनेस कैसे आएगी हमको कैसे पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं. एक तरीका क्या है कि शास्त्र से पता चलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दैट्स वन वे राइट. तो शास्त्र जो बोलते हैं मैं जो बोल रहा था ना कि शास्त्र बोलते हैं गुरु बोलते हैं वो करो राइट. बट द प्रॉब्लम इज कि शास्त्र पढ़ने की इच्छा तो होगी नहीं. मतलब जब आप उस जगह पे फंसे हुए हो तो आप शास्त्र पढ़ना क्यों चाहोगे. शास्त्र नहीं पढ़ना चाहता कोई गुरु की बात सुनना नहीं चाहता तो कैसे आएंगे फ्री विल राइट. सो क्या है सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन. आपको क्यों लगा कि उन्होंने सिगरेट नहीं पी डब्बा रखी अभी व्हाट इज द सॉल्यूशन देयर. एसोसिएशन राइट. एसोसिएशन वाज द रीजन देयर इज नो अदर रीजन कि उन्होंने सिगरेट नहीं पी डब्बा सामने रखे. यू कुड हैव डन दैट वेरी वेल राइट. बट अगर हम आप सोचो हम लोग सुबह चैंटिंग करते हैं साथ में ऑनलाइन राइट लोगों के कितने कितने माला हो जाते हैं पता भी नहीं चलता लोगों को ओके. अदरवाइज अकेले करने बैठो तो इतना आसान नहीं होता. भक्तों के संग में 16 माला कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना. इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस राइट. एंड सो दैट इज द होल थिंग टू अंडरस्टैंड राइट कि पावर ऑफ एसोसिएशन इट्स ह्यूज ह्यूजली पावरफुल राइट. हमको संयम रखना ऐसे बहुत मुश्किल है लेकिन अभी हम यहाँ पर बैठ के साथ में प्रसाद खाएंगे अच्छा कीर्तन करेंगे डांस करेंगे केक भी काट सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं राइट. अगर इतना सारा फन हम हर हफ्ते कर रहे हैं राइट और आज करेंगे कल सुबह भी करेंगे है ना इतना सारा फन हम कर रहे हैं तो फिर मन को वो ही नहीं मिलता उसको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि उसका मन ही नहीं करता है कुछ और करने का राइट. सो दैट द गेम इज एसोसिएशन लाइक कीप इन माइंड लाइक बिग टाइम राइट. हमने पहले भी वर्सेस में बात की है कि एसोसिएशन इज अ वेरी सीरियस अफेयर डोंट टेक इट वेरी लाइटली राइट. इवन प्रभुपाद वंस सेड कि आप मेरी बुक पढ़ के भी ना कभी डोंट थिंक यू विल जस्ट बिकम अ डिवोटी बाय रीडिंग माय बुक्स. कुछ लोगों को ऐसा लगता है पीपल बिकम डिवोटी आई एम नॉट सेइंग दे डोंट राइट बट इट इज अ रेयर केस इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू ओके. द इजी थिंग इज कि एसोसिएशन में आके बुक्स पढ़ो एंड देन थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी राइट. दैट इज द राइट वे टू डू ओके. कभी कभी लोग या आगे चलते हैं काम के आगे. सो बेसिकली लोग काम ठीक है 10 मिनट में खत्म करेंगे
सो बेसिकली काम से जीत जाते हैं बट क्रोध से जीतना मुश्किल लगता है कभी कभी लोगों को, राइट? ऐसा होता है ना, किसी के साथ हुआ है क्या कभी? काम को कंट्रोल कर लेंगे बट क्रोध नहीं कंट्रोल होता। जैसे विश्वामित्र पहली बार जब मेनका आई थी ना पास में, तो काम से हार गए थे, राइट? दूसरी बार रंभा आई थी, पता है क्या आपको? तो क्रोध से हार गए थे बेसिकली, रंभा को पत्थर का बना दिया था, इतना गुस्सा आया उनको, राइट? बिकॉज काम क्रॉस हो गया था बट क्रोध नहीं क्रॉस हुआ था। ओके, सो हमको दोनों से जीतना जरूरी है, बट हम समझेंगे कि काम और क्रोध ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। एंगर को क्या बोलते हैं पता है ना आपको? जैसे अब यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बना था रामानुज का, वैसे एंगर को बोलते हैं कामानुज, राइट? यानी काम का छोटा भाई। ओके, यानी कि जब जब काम आता है ना तो क्रोध आता ही आता है। ओके, दिस इज बिना काम के क्रोध नहीं आता जनरली, जनरली बहुत रेयर केसेस है, मतलब देयर आर स्पेशल केसेस बट जनरली दिस इज व्हाट द केस इज। ओके, कि अगर आपको क्रोध दिख रहा है ना तो समझ जाओ कि कुछ तो काम है बाकी। ओके, दैट इज व्हाट इज जनरली हैपेंस। ओके, जनरली सो आगे पढ़ते हैं, गीता भूषण का पढ़ के देखते हैं। बट एंगर वेयर आर वी, हां इंस्टिगेटर हो गया था ना अपना, हां। बट एंगर इज आल्सो सीन टू बी द इंस्टिगेटर इन सच थिंग्स एज कर्सिंग। यू हैव सेड दिस इन वर्स 34, राग एंड द्वेष। तो कह रहे हैं कि अरे एंगर भी तो है, राग और द्वेष जो है, मतलब यू नो कभी कभी किसी को श्राप देने के लिए भी तो गुस्सा आ जाता है, राइट? उसके कारण भी हम अपना गलत काम कर देते हैं, तो एंगर भी है। तो बोल रहे हैं कि ट्रू बट एंगर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम काम। दिस काम व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सम लिविंग बीइंग्स बिकम्स एंगर, जस्ट एज मिल्क बिकम योगर्ट बाय एडिशन ऑफ एसिड कल्चर। द विक्ट्री ऑफ काम एंड क्रोध आर वन। ओके, तो बोल रहे हैं कि काम और क्रोध से विक्ट्री जो है ना वो सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए मुझे खिचड़ी में घी पसंद है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? और किसी ने खिचड़ी ला दी सामने और घी कम था उसमें, है ना? पहले तो मैं अपने आप को समझा लूंगा कि अरे नहीं नहीं, यू आर अ सोल, दिस इज प्रसाद, ऐसा वैसा नहीं है ना, इतना नहीं सोचना चाहिए घी के बारे में। आई कैन मतलब दिमाग लगाएंगे, लेकिन क्या होगा ना, काम आ गया ना कि मेरे को खिचड़ी घी के साथ ही इंजॉय करने का मन है, राइट? थोड़ी देर बाद कभी ना कभी आप टॉन्ट मार दोगे शायद उसको कि प्रभु यार घी ज्यादा डाल दिया आपने लग रहा है, राइट? मतलब कुछ तो होगा, राइट? कहीं ना कहीं पर कुछ हो जाएगा। तो क्यों होगा? क्योंकि काम था वहां पे, है ना? एनीथिंग यू कैन सी एनी एग्जांपल इन योर लाइफ, ये जो क्रोध आता है ना तो उसके पीछे का कारण हमारा एंजॉयमेंट मेंटालिटी होता है कहीं ना कहीं पर। ओके, हम लोगों को क्या होता है ना कि हम लोगों को दिखता नहीं है, हमको लगता है क्रोध का कारण ये है कि ये सामने वाला बेकार है, बट नहीं, कुछ और कारण होता है। ओके, आई मीन यू कैन एनालाइज अ बिट, बट क्रोध और काम जो है ना वो अलग अलग नहीं है दोनों एक दूसरे से। हाँ, जैसे कि कुछ तो हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, जैसे कि विजिबली हो जाता है, जैसे कि आपने क्रोध कर दिया, लेकिन मन में भी काम होना या मन में भी क्रोध होना इज इक्वल टू व्हाट लाइक कुछ कम्स आउट। अच्छी बात क्या है पता है ना, कि कलयुग में ना मन में कुछ रखने में ना पाप नहीं लगता। ओके, आपको पुराने युगों में होता था ऐसा, मन में बुरा सोचने से ना पाप नहीं लगता, मन में अच्छा सोचने से पुण्य भी मिल सकता है, ऐसा होता है, ठीक है? दिस इज द वंडरफुल थिंग अबाउट कलयुग। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम कुछ सोचना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमारे एक्शंस जो है ना वो थॉट से ही वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से एक्शन बनते हैं, और एक्शन से बाकी सब कुछ होता है, राइट? तो इसलिए जहाँ पे शुरू होता है ना तो सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो रिएक्शंस आते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अरे अचानक से अब्रप्ट रिएक्शन आ गया मुझे, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि आप पहले से सोच रहे थे इसके बारे में, राइट? ये झाड़ू साफ नहीं लगा रहा है, ये झाड़ू नौकर साफ नहीं लगा रहा है, थिंग्स लाइक दैट आप सोच रहे हो, राइट? एक दिन अचानक से लग जाएगा कि यार इतनी झाड़ू साफ क्यों नहीं लग रही है, टाइम मतलब वट एवर, राइट? आई मीन दैट अब्रप्ट थिंग विल कम बिकॉज आपने दिमाग में वो लेके चल रहे हो। ओके, सो या व्हाट आई वाज सेइंग इज काम एंड क्रोध जो है वो ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। ओके, इनफैक्ट अगर हम इसको थोड़ा अच्छे से और सोचेंगे ना, तो होता क्या है कि हर कोई अपने हिसाब से चीजें करना चाहता है, राइट? मेरे हिसाब से होना चाहिए, दैट इज द डिजायर, दैट इज द काम, राइट? कि मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, एज इफ आई एम गॉड, है ना? दैट इज द डिजायर जिसको लेके हम यहाँ पर आए थे, भगवान से अलग इंजॉय करने के लिए। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गॉड हैं जैसे कि, बट ये वर्ल्ड इंटरेस्टिंगली बना ही ऐसा है, ओके, कि यहाँ पर ना आपका वो गॉड वाला जो लॉजिक है ना वो चलने नहीं वाला। ओके, ये वर्ल्ड बना ही ऐसा है कि समझ के देखो कि देयर इज ओनली वन गॉड। ओके, तो इस फ्रस्ट्रेट करने के लिए ये जगह बनी हुई है। तो अगर ये काम के चक्कर में पड़ेंगे ना सेटिस्फैक्शन के लिए, तो डेफिनेटली फंसने का रीजन यही है हमारा, मतलब मटीरियल एग्जिस्टेंस में जो फंसे हुए हैं ना उसका बहुत
दैट इज द ओनली रीजन बाय द वे काम इज द ओनली रीजन क्योंकि हम वो सेटिस्फाई करने आते हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं एंगर आता है इल्यूजन होता है प्रभुपाद बताते हैं राइट पहले पैराग्राफ में और फिर मटेरियल एग्जिस्टेंस में पड़े रहते हैं यहाँ पर दैट कीप्स ऑन गोइंग राइट सो सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट गॉड करने वाले कौन मतलब देखिए गुस्सा नहीं करता तो ये सब सिस्टम नहीं चल रहा होता उससे बहुत मैटर नहीं करता वो चीज कभी भी ज्यादा मैटर नहीं करती कि आपने क्या किया ओके क्यों किया उससे सब कुछ मैटर करता है अगर आपकी इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपका पर्पस हायर है ना तो क्रोध करने में प्रॉब्लम नहीं है हनुमान जी ने क्रोध किया था पर काम थोड़ी था वहां पे राइट तो क्या किया उससे अपेरेंटली सेम चीज दिखती है अभी अलवर है मतलब एक अलवर पता है ना आपको कि वहां पे मंदिर साउथ इंडिया में बनाया उन्होंने बड़ा सा क्या किया उसके लिए मतलब चोरों के साथ मिलके चोरी करवाई उनसे बाद में उन सारे चोरों को मरवा भी दिया और सारे पैसों से मंदिर बनाया क्या किया भगवान का मंदिर बनाया राइट पर्पस इज वॉट मतलब यू नो इट्स नॉट अबाउट कर्म ऐसे एक्ट नहीं करता है कि क्या किया उसको लेके क्यों किया उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो अगर हम अपना एंजॉयमेंट है ना इन तो फिर फंस जाएंगे तो पर्पस इज हायर देन नहीं फंसेंगे राइट आई डोंट वांट टू गेट इनटू रियल थिंग बट जनरली मोर ऑफन देन नॉट वहां पे हमारा ही एंजॉयमेंट होता है राइट क्वेश्चन ये है अभी देखिए हम लोग को प्रैक्टिस नहीं होती हमें इतना आपको कंट्रोल आया नहीं सो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कहा जाता है ना कि आपको क्रोध आए तो आप मतलब फॉर देयर उसको उल्टा काउंटिंग कर लो समथिंग लाइक दैट या अभी अगर जैसे हमारे पास तो आप सॉल्यूशन ही पे जा रहे हो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कुछ तो ऐसा हां कर रहे हैं बात करते हैं सॉल्यूशन पे भी करते हैं ना चिंता करो अभी क्लास बाकी है सो बेसिकली या आगे बताएंगे एक पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ा है जल्दी विद्या भूषण सो बेसिकली या तो बेसिकली क्या होता है कि क्रोध जनरली आता उसी लिए मतलब ना जब लगता है कि हु डू यू थिंक आई एम राइट मतलब समझते क्या हो मुझे टाइप्स मतलब तब इस तरह की चीजें होती है ना कि मतलब मेरा मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए गुरुजन प्रभु बोलते हैं कि बोलना चाहिए इन लोगों को कि आपको आप, आप, आपको पता है आप हो कौन मतलब एक बाल का 10,000 का हिस्सा हो मतलब आप हो कौन मतलब यू आर नो वन बेसिकली कैसी बातें कर रहे हो इतनी बड़ी हाँ बाल की नोक का भी 10,000 का हिस्सा हो राइट हाँ आप बद्ध जीव हो कंडीशन सोल हो राइट आप कैसी बातें कर रहे हो ये सब सो दैट इज बट दैट इज द पॉइंट मतलब हम अपने ना एंजॉयमेंट के चक्कर में सोचते हैं सो एक्चुअली पॉइंट क्या है ना कि यहाँ पे एक हिंट दे रहे हैं भगवान पता है इसके सॉल्यूशन की हिंट क्या दिया कि जो रजोगुण से होके बनता है काम ओके इसलिए हिंट इग्नोर नहीं किया मैंने बोला ना कि जब दुश्मन से लड़ना होता है ना तो बड़ी सावधानी के साथ समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है तो यहाँ पे बोलते हैं कि रजोगुण से होके आता है वो है ना सो यहाँ पर भी बोल रहे हो शायद इट अराइजेस फ्रॉम द मोड ऑफ रजस दिस मीन्स दैट विद द कॉन्केस्ट ऑफ रजोगुण By increase of sattva, काम can be conquered. ऐसा बता रहे हैं बहुत 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 ज्यादा सोचने वाली बात है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट परपोर्ट ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट परपोर्ट जिसके कारण मैं परपोर्ट पढ़ रहा हूँ बेसिकली आज तो पॉइंट कह रहे हैं जैसे जब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है जर्मनी ने रशिया पे अटैक कर दिया था तो क्या किया था रशिया ने पता है आने दिया था उनको अंदर जब वो अंदर आ गए ना रशिया के तो पीछे से खाने की सप्लाई काट दी थी ओके तो उसके बाद वो फंस गए थे और हार गए उसके बाद जर्मनी राइट वहां पर रशिया से So that is what we can do with our senses, right? That is the solution, cut the supply, right? So, anyways, बहुत भागवतम में भी बात जाती महाराज ऐसा बताते हैं, but anyways, I think late हो गया, so we will not get into that. But point is कि by increasing sattva guna, right? This is like the awesome solution, ठीक है? कि मतलब प्रभुपाद ना actually भगवत गीता के introduction में ये बोलते हैं, प्रभुपाद के भगवत गीता का introduction बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, उन्होंने सारे solution को ना निचोड़ के दे दिया हमें वो बोलते हैं कि वी नीड टू गेट इनटू सत्वगुण ओके बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस मेरा पहला चीज जो समझने की है ना कि पहले सत्वगुण में घुसो क्यों देन ओनली हायर प्रिंसिपल्स कैन बी अंडरस्टूड ओके बिना सत्वगुण में गए ना हायर प्रिंसिपल्स नहीं समझ में आएंगे मैंने हर बार ऑलमोस्ट हर क्लास में बोलता हूँ राइट कि वैदिक सिस्टम में ब्राह्मण वेद पढ़ते थे है ना क्यों ऐसा है ब्राह्मण बाई बर्थ नहीं होता है ब्राह्मण होता है बाई एक्शंस
ओके, तो बाय एक्शंस अगर हम सत्वगुण में जाते हैं ना, तो अपने आप ये वेद वेद अपने आप समझ में आने लगेंगे, ये नॉलेज अपने आप समझ में आने लगेगा, राइट। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, राइट। सो अगर नहीं नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सो दैट इज व्हाट प्रभुपाद गिव्स अ सॉल्यूशन आल्सो। सो एसेंशियली पॉइंट ये है ना कि हम लोगों को ना सत्व गुण का संग जानबूझ के जबरदस्ती करना चाहिए। ओके, जानबूझ के जबरदस्ती मतलब क्या? नहीं, जानबूझ के क्यों जबरदस्ती क्यों? हाँ, चाहे मन करे चाहे मन ना करे, राइट, जबरदस्ती करना है। क्योंकि किसी का भी सुबह उठ के कई किसी का भी नहीं मतलब ज्यादातर लोगों का सुबह उठ के मंगल आरती करने का मन नहीं करता, राइट। सुबह सुबह बैठ के चैंटिंग करने का मन नहीं करता है, है ना। सैटरडे इवनिंग को भगवद गीता क्लास में आने का मन नहीं करता है, राइट। तो फिर भी जानबूझ के जबरदस्ती करना है, जानबूझ के भी। ओके, नहीं मन करता तो नहीं मन करता, क्यों ऐसा क्यों मन नहीं करता? ऐसा अगर हम सोचेंगे, अगेन इट्स अबाउट इंप्रेशन, राइट। अगर आपने आप रजोगुण में हो तो आपका मन नहीं करेगा, जब आप सत्वगुण में होगा तो यही चीज अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये अच्छा लगना और बुरा लगना गुणों के हिसाब से है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमको करना वो है जो शास्त्र कहते हैं और गुरु कहते हैं, ठीक है, कि सत्वगुण का जबरदस्ती संग करो, जानबूझ के करो। ओके, नहीं मन कर रहा ना, फिर भी सुबह जल्दी ना हो और मंगल आरती करो, और फिर अच्छा लगे चाहे ना लगे, इट डजंट मैटर, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। प्रभुपाद से एक बार बोला था उनके डिसाइपल ने ना कि प्रभुपाद मेरे को आपका पैर दंडवत करना नहीं अच्छा लगता, प्रभुपाद ने कहा कि दंडवत करते रहो एक दिन अच्छा लगने लगेगा, राइट। इट्स ओके, डजंट मैटर, राइट। हु केयर्स अबाउट योर फीलिंग्स बाय द वे, लाइक प्रभुपाद ने ऐसा बोला था, किसी ने बोला था प्रभुपाद आई डोंट फील लाइक चैंटिंग, मैं बोला नोबडी केयर्स अबाउट योर फीलिंग, राइट। सो फीलिंग्स का है ही नहीं बिहेवियर, ओके। इट्स अबाउट जो सच है वो करेंगे, जो सही है ना वही करना है, जानबूझ के करेंगे, राइट, चाहे जो भी हो जाए। सो क्योंकि तो चित्त में रजोगुण होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सो तो एम इज टू किल रजोगुण, क्योंकि जैसे किसी को मारना होता है ना, किसी को हराना होता है ना, तो उसके बाप को मार दो, मतलब उसकी रूट पे जाके अटैक करो, और उसका रूट है रजोगुण, तो रजोगुण से बाहर निकलो, दैट इज व्हाट शुड बी द एम। एंड हाउ टू डू दैट? भगवान का नाम लो, राइट, मूव टूवर्ड्स द सत्वगुण, डिवोटीज का संग करो, प्रसाद खाओ, शास्त्र पढ़ो, एंड देन विल ग्रेजुअली स्टार्ट मूविंग टू सत्वगुण, दैट इज द होल सॉल्यूशन, राइट। क्यों हम ये सब ए बी सी डी एफ बताते रहते हैं? Right, that is the solution. There is no other reason, right? Narad Muni 11th canto में बताते हैं इसके बारे में। वो बोलते हैं कि अगर भक्ति strong नहीं भी है ना आपकी, तो भी basically अगर आप सत्वगुण की तरफ move करोगे तो दो फायदे तो होंगे ही, पक्की बात है, भले आपकी भक्ति strong नहीं है। क्या क्या फायदा होगा? पहला कि जैसे जैसे सत्वगुण में जाओगे नॉलेज इंक्रीज होगा, ओके, देयर विल बी इंक्रीज इन नॉलेज। द सेकेंड थिंग विच विल ऑल्सो हैपन इज डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल इंजॉयमेंट, ओके। सो नॉलेज और डिटैचमेंट, ये दो चीजें पक्का आने वाली है जैसे जैसे आप सत्वगुण की तरफ जाओगे। और भक्ति देवी के दो बेटे कौन, राइट? सो बेसिकली इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सत्वगुण की चीजों को जबरदस्ती जानबूझ के करें, चाहे मन करे चाहे ना करें, दैट शुड बी कैप्ट इन माइंड, राइट। जो आपने एग्जाम्पल बताया था कि जो इंद्रियां हैं जो अनकंट्रोल्ड हैं, राइट, और अगर आपका जो जैसे आप बोल रहे हैं सत्वगुण से आपका जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ेगा, देन यू कैन कंट्रोल दिस इंद्रिया एज वेल एज ओवरऑल योर काम। एंड कंट्रोल करने का सोचने का नहीं, देखो अभी आप हाँ सॉल्यूशनिंग पे आते हैं, राइट, आपके सॉल्यूशन आपको जो चाहिए बेसिकली। सो चलो आप सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको, आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट मोर बिफोर गेटिंग इन टू सॉल्यूशन। तो और थोड़ा सा समझते हैं, सॉल्यूशन करेंगे आप, अब चिंता नहीं करो, मैं आपको एकदम घर ले जाने के लिए टेका भेज दूंगा, राइट, डोंट वरी, क्लास खत्म नहीं होगी तब तक क्लास खत्म नहीं होगी। सो बेसिकली अभी किसी के मन में ऐसा आता है क्या कि काम जो है ये अगर ये सच में वैरी है वगैरह तो बच्चों को क्यों नहीं होता, मतलब बड़े होने के बाद ही ये सब ऐसा होता है क्या, मतलब बच्चों को भी होता है क्या कि मतलब बड़े होने के बाद ही मेरा ये सब करने का मन करता है, मतलब घर को लेके इसको लेके, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, मतलब बच्चे तो नादान है, उनको तो नहीं होता होगा ऐसा, ऐसा किसी को लगता है क्या? हाँ, ये बच्चे का झुंझुना लेके देखो, राइट, बच्चा रोना शुरू कर देता है, मोबाइल छुड़ा के देता है, हाँ मोबाइल, आज की दुनिया में झुंझुना नहीं होता, आज की दुनिया में मोबाइल होता है, एग्जैक्टली। और यही पॉइंट है कि मतलब ना हमारा वो जो झुंझुना है ना, वो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना वो चेंज होता रहता है, मतलब कभी वो वुमेन, कभी वो हमारा घर, कभी वो हमारी कार, कभी हमारा कुछ ना कुछ, और इट इज ऑल अबाउट मी, राइट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बच्चे को सेंटर से हटा के देखो, फिर आप देखो वो कैसे रोने लगेगा, मतलब ना कुछ कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लगेगा। सो नथिंग हैज चेंज्ड, इट इज जस्ट अगेन वो अप्रारब्ध की वो इंप्रेशन को ना
वापस से पॉजिटिव करने के लिए राइट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है बस। जैसे जैसे राइट एनवायरनमेंट मिलता जाएगा, पुराने पुराने सब नए बनते जाएंगे आपके, राइट? सो दैट कीप्स ऑन हैपनिंग, सो इट इज नॉट गोइंग अवे, राइट? इट्स ऑलवेज 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 द केस। आगे का प्रपोर्ट भी पढ़ते हैं उनका। तो बेसिकली ये बताते हैं बलदेव विद्याभूषण, महाभारत का श्लोक है एसेंशियली। लेट मी नॉट रीड इट बेसिकली बिकॉज़ वी आर लेट। सो एसेंशियली द क्रक्स ऑफ द मैटर इज फ्रॉम दिस वर्स इज दैट कि जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कई बार कि देयर इज इन दिस वर्ल्ड देयर इज एवरीवन देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड, राइट? मतलब जब दुर्योधन पड़ा हुआ था ना, जब लास्ट मोमेंट में अपने अश्वत्थामा उनके पास आया, तो दुर्योधन बोलते हैं कि मैंने ना ऐसी कोई वुमेन नहीं है जो एंजॉय नहीं की हो, ऐसा कोई खाना है जो नहीं खाया हो, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है, ओके? फिर भी मुझे शांति नहीं है, राइट? एंड दैट इज द होल पॉइंट कि मतलब एंजॉयमेंट से, क्योंकि महाशरण का मतलब यही होता है, यू आर नेवर गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड, राइट? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, सो समथिंग हैज टू बी डन इज द पॉइंट, राइट? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, या सो ओके, अभी कमिंग टू द सॉल्यूशनिंग, राइट? सो ये लास्ट के दो पैराग्राफ बलदेव विद्याभूषण के। सो क्या होता है ना कि जैसे मैं बोल रहा था कि दुश्मन को हराना है तो चार चीजें करनी होती है, साम दाम दंड भेद, राइट? इन चार चीजों से ही हरा सकते हैं। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं। सो बोलते हैं कि नॉर कैन वन कंट्रोल इट यूजिंग काइंड वर्ड साम। साम से तो मुश्किल है, समझाएंगे कि नहीं भाई मान जाओ, ऐसे नहीं करो, ऐसे वैसे हम लोग कोशिश करते हैं, राइट? समझाते भी हैं मन को कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैष्णव है, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसे वैसे होता है, लेकिन फिर भी आ जाता है कि देखो उन्होंने ऐसा कैसे किया, उनके कुर्ते में दाग लगा हुआ था, पता है आपको, ऐसे वैसे। मतलब यू नो प्रभुपाद तो बोलते हैं कि क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, वो तो साफ कुर्ता तक नहीं पहनते, कैसे डिवोटी है वो, वगैरह वगैरह। अरे उनको तिलक लगाना भी नहीं आता सही से, राइट? कुछ भी, कुछ तो भी ऐसे रैंडम चीजें आती रहती है मन में, राइट? सो समझाने से नहीं होता है, और पे डिविजन भेद, राइट? और फॉर इट इज वेरी इविल, महापापमय। तो इसलिए भेद लेके करना भी बहुत पापी है वो, मतलब यू नो कि कुछ कुछ दिमाग भी लगाओगे ना तो बड़ा मुश्किल है, ओके? तो नहीं हो पाता है। बीइंग वेरी पावरफुल सिंस इट फोर्सेस वन टू एंगेज इवन इन फॉरबिडन एक्ट्स बाय मेकिंग वन लूज वन सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो दैट इट इज एन एनिमी इवन इन गिविंग इट गिविंग इन टू इट्स डिमांड्स, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू रीच कंसिलेशन विद काम बाय द थ्री मेथड्स दान साम एंड भेद, इट शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय दंड विच विल लेटर बी डिस्क्राइब। तो क्या कह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद में से दंड इज द ओनली सोल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इस चीज का, ओके? किसी को लगता है क्या कि और सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं? उतनी उतना विजन तो है नहीं हमारा, राइट? लेट्स बी रियल, है ना? तो फिर क्या? तो एग्जैक्टली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन दंड इज द सॉल्यूशन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको वो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बट वो जो विजन है ना, क्योंकि ऑफकोर्स उसके लिए प्योर डिवोशन चाहिए, राइट? आप जब उस लेवल पे जाएंगे तभी ये पॉसिबल है। कोशिश करते हैं हम अपने आप को समझाने से, तो समझाने से नहीं सॉल्व होता ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर हमने समझा लिया कि नहीं नहीं देखो सामने वाला भी उसके अंदर भी परमात्मा है, दंडवत करो उसे, है ना, रिस्पेक्टफुली बिहेव करो, लेकिन वो हो नहीं पाता। हाँ लेकिन वो जो है ना वो लेवल हाई है माता जी, मतलब वो जो मतलब आप मैं रियल बात कर रहा हूँ, मतलब मैं थ्योरिटिकल नहीं कर रहा हूँ, राइट? आपको ऐसा लगता है क्या कि आप दुश्मन और दोस्त को एक समझते हो, राइट? नहीं समझते ना, तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना इसका मतलब, राइट? दैट प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व ना। सो कैसे सॉल्व करें, इस पर हम दंड पे आते हैं, राइट? तो दंड का मतलब क्या है, राइट? कैसे दंड देंगे लस्ट को, कोई सोच सकता है क्या कैसे? मतलब मेरा मन है, मान लो जो पानी पूरी खाने का मन है, तो कैसे दंड देंगे? वैसे सॉल्यूशन है माता जी, हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। आपने एक इम्पोर्टेंट वर्ड बोला आपने पूरे आंसर में,
वो उस पर आएंगे थोड़ी देर में, राइट। बट आपने जो बोला है उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड था आपके पूरे सेंटेंसेज में, मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पानी पूरी खाने का मेरा मन करता है, राइट, तो मैं क्या करूँ, मतलब यू नो कैसे मैं इस काम को दंड दूँ इस बात को, हाँ नहीं, कोई वो ये भी बोल रहा था ना कि पानी पूरी नहीं खाएंगे, मतलब यू नो बोला तो, हाँ तो एग्जैक्टली, क्योंकि ना ये ज्ञानियों वाला रास्ता है, जो रास्ता है ना कि मतलब मैं पानी पूरी नहीं खाऊंगा आपसे, राइट, मतलब ये जो रास्ता है ना इस पे ज्यादा देर चल पाना मुश्किल है, राइट, क्योंकि नहीं 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 फिर थोड़ा नहीं थोड़ा सा एक एक खा लेता हूँ वगैरह वगैरह हो जाता है ना, तो ये बहुत मुश्किल है ये रास्ता, हाँ ऐसे कुछ तो बहुत सारे बहाने होते हैं, तो कुछ तो मिल जाएगा आपको बहाना उसका 50 तरह का, यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है क्या हो गया चुपके से खा लेते हैं वगैरह वगैरह, राइट। तो इसका ये तरीका सही है कि मतलब हम लोग ना भोग लगाते हैं भगवान को और फिर पानी पूरी खाएंगे, राइट, दैट इज द डिवोटीज वे ऑफ सॉल्विंग इट, राइट, कि मतलब हम जो भी करेंगे ना मतलब गोविंदा जाएंगे गोविंदा में प्रसाद खाएंगे, राइट, फॉर एग्जाम्पल दंड कैसे हुआ क्योंकि बाकी टाइम नहीं खाएंगे, मतलब देखिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है ना कि बेसिकली प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि आप दो तरीके से मन को कंट्रोल कर सकते हो, एक तरीका क्या है प्रवृत्ति और निवृत्ति, ओके, यानी करके या नहीं करके, बट दोनों में प्रॉब्लम है, ओके, करके तो कभी मानेगा ही नहीं, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग, ऐसे आपको मिलेंगे स्पिरिचुअलिस्ट को बोलते हैं प्रवृत्ति करके आप सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे है मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत फेमस है जो बोलते हैं कि नहीं संभोग से समाधि, ओके, ऐसे वाले, ठीक है, तो बट वैसे सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम, राइट, तो दूसरा तरीका क्या है निवृत्ति, निवृत्ति मतलब सब छोड़ दो नहीं खाएंगे पानी पूरी, राइट, बट उससे भी सॉल्व नहीं होता क्योंकि अटक जाते हो, देयर हैज टू बी अ मिडवे, राइट, मिडवे क्या है ना माइंड को हायर प्लेजर दो, जो भगवान यहाँ पे बताते हैं भगवद्गीता में कि अगर मतलब यू नो हायर प्लेजर दोगे ना तो छोटा प्लेजर का छूट जाएगा, जैसे हमने बैलून से खेलना छोड़ दिया क्योंकि हमको मोबाइल मिल गया, राइट, बच्चे ने झुंझुना क्यों छोड़ा क्योंकि उसको हायर प्लेजर मिल गया मोबाइल का, इसी तरह मन को हायर प्लेजर दो, यहाँ पर यू नो हम बैठ के प्रसाद खाएंगे डांस करेंगे कीर्तन करेंगे ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट, तो आपको लोअर प्लेजर से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, दैट इज द होल गेम, राइट, कि माइंड को हायर प्लेजर दो, ओके, अगर आप हायर प्लेजर दोगे लोअर प्लेजर का डिजायर अपने आप ही खत्म हो जाएगा, भक्तिशाल सरस्वती तो बड़ा स्ट्रिक्ट बात करते हैं इसके लिए, बोलते हैं कि माइंड को ना सुबह सुबह उठ के झाड़ू से मारो और शाम को डंडे से मारो, ओके, दिस इज वॉट इट इज, राइट, बट वॉट इट मीन्स, वट डज इट मीन बेसिकली, कि झाड़ू से मारो का क्या मतलब है, ऐसा आपने शायद किसी ने सुना भी हो कहीं पर, वट डज इट मीन बाय द वे, कि झाड़ू मारो माइंड को डंडा मारो माइंड को ऐसा बोलते हैं, क्या मतलब है इसका, हाँ इंटेलिजेंस भी हमारा कितना इंटेलिजेंट है वैसे, बट मतलब इन शॉर्ट माता जी की निगलेक्ट करना होगा माइंड को, निगलेक्ट करना होगा, राइट, एग्जैक्ट, सो निगलेक्ट इज द सॉल्यूशन, राइट, कि मतलब यू नो मत दिमाग लगाओ इस पे, माइंड को निगलेक्ट करो, फालतू की डिजायर आती है ना, मैंने बोला ना कि मतलब क्या बोलते हैं नवे गण महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, राइट, तो मतलब बेसिकली निगलेक्ट करो उसको, ओके, द सेकंड सॉल्यूशन प्रभु जी के लिए सॉल्यूशन, द सेकंड सॉल्यूशन और फर्स्ट सॉल्यूशन दैट वी डिस्कस्ड वाज कि ऑफर समथिंग हायर टू द माइंड, राइट, उसको कुछ हायर टेस्ट दो कि भोग लगाएगा तो ही खाएंगे, इसमें वो कैसे है क्योंकि आप अगर भोग नहीं लग रहा है ना तब आपको समझ में आएगा कि मतलब ना रोड पे भी बहुत पानी पूरी मिलती है, ओके, तो तब सोचेंगे कि नहीं भोग नहीं लगाया ना इस चीज़ का तो नहीं खाएंगे, भूखे रहना पड़ा ना तो भूखे रहेंगे, खाएंगे तभी जब भोग लगा होगा, राइट, तो ऐसे करके, लेकिन अपने अराउंड इसीलिए डिवोटी एसोसिएशन चाहिए, इसीलिए आपके घर में सभी लोग अगर भक्त होंगे ना तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी, ओके, ये फीलिंग तब आएगी जब कोई भक्त नहीं होगा घर पे और आपके अलावा, राइट, और डिवोटी एसोसिएशन नहीं होगा तब ये फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग आएगी, बट नॉनदरलेस फीलिंग आए चाहे ना आए करेंगे भाई जो डिसाइड किया है, माइंड जो बोलता है बोलते रहे, राइट, दैट इज वॉट इट इज, राइट, द थर्ड थिंग इज वॉट इज द थर्ड सॉल्यूशन, एनीबडी कैन थिंक ऑफ, तो थर्ड सॉल्यूशन इज चैंटिंग, ओके, तो भक्ति सरस्वती बोलते हैं कि अगर आप जोर से चैंटिंग करते हो ना तो तीन चीजें पक्का होती हैं, ओके, एक तो घर के जितने पेस्ट होते हैं ना वो सब भाग जाते हैं, मतलब यू नो, ओके, दूसरा कि जो चोर होते हैं ना आसपास के वो चोर भी चोरी करने नहीं आता है, ठीक है, और जो तीसरा है ना मन के अनर्थ सारे दूर हो जाते हैं, वो सब भाग जाते हैं, राइट, तो ये तीन फायदे हैं उसके, तो इसलिए चैंटिंग करना इज अ वंडरफुल सॉल्यूशन फॉर दिस होल थिंग, राइट, क्योंकि हमारे मन के सारे डिजायर्स को ना कर्व करने के लिए मंत्र, राइट, मन त्रायते इति मंत्र, राइट, मन को अगर कंट्रोल करना है ना तो मंत्र इज द सॉल्यूशन, ओके, या एनी अदर थॉट्स, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, वाज इट सॉल्यूशन इनफ, राइट,
और वो नहीं भूलना है जो पहले बात की थी कि डिवोटी एसोसिएशन, राइट? सो नेवर फॉरगेट दैट, दैट्स लाइक फर्स्ट इन प्रायोरिटी. सो आई डोंट नो, हां माता जी आपका एक क्वेश्चन था, रह गया, राइट? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? हो गया. Was it answered? If it was not, we can answer it. Okay, because I got sidetracked. So last, हाँ भाई. Which one do you apply there? Which one do you apply? अपने को लेकर दंड है, chanting है, तीन अपने तरीके का. जैसे क्रोध का example लिया, फिर हमने पानी पूरी का example लिया, तो cigarette वाले example लिया. वहाँ पे कौन सा तरीका लगाना है? Actually ना, ऐसे नहीं सोचना चाहिए. तो basically ना, it is a package. A B C D E. Okay. A मतलब association, B मतलब books. C मतलब चैंटिंग, D मतलब डाइट यानी प्रसाद, और E मतलब इंगेजमेंट. ओके, ये पांचों चीजें ना एक साथ करनी चाहिए. ओके, हम क्योंकि इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं रहेगा, राइट? जब मौका आएगा, जब ऐसे दुश्मन पिछले जैसे चलते थे ना, पूरा मतलब आर्मी वाले जाते हैं तो सब कुछ पूरा लेके चलते हैं ना, सारे तरह के हथियार साथ में, तो अपना हथियार साथ रखना चाहिए, सारे के सारे एक साथ, राइट? अगर पांचों एक साथ अप्लाई करेंगे, वी डोंट नीड टू वरी, राइट? समथिंग विल टेक केयर ऑफ समथिंग, है ना? सो दैट्स अगेन. ओके, let's read the last paragraph. The Lord residing within all actions sets everything in motion everywhere. Similar to the rain falling everywhere, but karma arising from vasanas attached to the jiva directly causes the actions and thus is called the personification of sin papa in verse 34. So basically, क्या बोल रहे हैं कि basically ना भगवान जो है वो बारिश की तरह, मैंने पहले ही बता दिया आपको example basically, right? कि बारिश का जो है वो distinguish नहीं करती है ना, क्या उगेगा doesn't matter. बारिश होगी, पर बारिश नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा. तो भगवान परमात्मा को ऐसे समझना चाहिए. जो लोग दोष दे देते हैं ना कि अरे भगवान ने सब कराने वाले हैं, उन्हीं नहीं कराया है, उनको समझ लेना चाहिए बात कि भगवान परमात्मा किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, राइट? ही इज निर्लिप्त, ही इज नॉट बदर, राइट? सो ही इज ऑलवेज लाइक दैट. या एंड फार्मूला भी लिख लिया होगा आपने, राइट? सो व्हाट एल्स शुड आई टेल? हाँ बोलिए. बहुत सारी चीजें प्रो, एक्चुअली ना ये कस्टम पैकेज है, ये पैकेज ना कि आप क्या इंप्रेशन लिए बैठे हो ना वो बताना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? मतलब कोई लोगों को क्योंकि क्या चीज किसके ऊपर भारी पड़ जाएगी ना, कुछ कहना मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल, अरे प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रसाद खाना इज प्यूरिफाइंग, राइट? बट अगर लाइफ ही प्रसाद खाने पे लग गई, राइट? सो व्हाट, जब प्रभुपाद से पूछा था ना लास्ट में, व्हेन ही वाज आस्क्ड कि प्रभुपाद कोई डू यू हैव एनी लास्ट विश, ही सेड कोई इच्छा नहीं, दिस इज व्हाट ही सेड, राइट? ऐसा बोलने के लिए ना वो दम चाहिए, राइट? क्योंकि जो डिजायर है ना वो इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है अपने को. तो इसलिए क्या डिजायर किसके साथ अटकी है ना, यू नेवर नो. मतलब यू नो, एज आई सेड, राइट, इट्स अ कस्टम पैकेज, यू डोंट नो. ये सब रैंडम फॉर्म में आती है चीजें, है ना? किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ, किसी को मेरी तारीफ हो तो अच्छा लगेगा, किसी को कुछ लगेगा, वॉट एवर इट इज, राइट? मतलब इसलिए हायर प्लेस जो है ना, लेकिन वो एक है जो बोलते हैं ना कि सत्यम परम, दैट इज वॉट द एडजेक्टिव यूज फॉर गॉड, राइट? सो ही इज द ओनली ट्रूथ, ही इज द ओनली टॉप मोस्ट एंटिटी. वहां पर उसके अलावा कुछ भी है ना तो सारा कुछ काम है. It could be anything, as I said. There's no one solution, right? But it's a one-on-one discussion if you want, right? But everybody has something of their own, right? So anyways, so yeah, that's all from my side. But and we don't have time to read the Grihastha manual, I don't think. So we can skip it. जैसे हम हर बार स्किप करते हैं वैसे इस बार भी स्किप करेंगे. बहुत हफ्तों से पढ़ नहीं पा रहे हैं. We think कि हम पढ़ेंगे हर बार, और हर बार टाइम खत्म हो जाता है. So anyways, any questions, anyone? Hopefully it was okay, right? But ज़्यादा heavy तो नहीं हुआ ना? नहीं? Okay. Next time फिर we'll make it more heavier then. Because we are in a section which is very important to understand, just to tell you, right? अगर इसको संभाल के ध्यानपूर्वक नहीं समझा ना तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे. क्योंकि काम क्या, मतलब क्या है काम, ऐसा इतना आसान नहीं. बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमी है वो हमारा, राइट? क्योंकि आप जो बोलते हैं ना कि हम मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, ये सारा ये इंद्रियां, ये मन, ये सब कुछ मैटर है एक्चुअली, राइट? हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं, चारों तरफ से एनिमी से घिरे हुए हैं. तो बहुत सावधानी के साथ समझ के अटैक करके निकलना है यहाँ से, राइट? सो एनीवेज, थैंक यू.
वांछा कल्पतरु भेष्य कृपा सिंधु भैरचा पतिता नाम पावने भ्यो वैष्णवे भ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। या कीर्तन। हूज डूइंग कीर्तन? ओके।